हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग पूजा। आज बड़े कम लोग हैं, आज बहुत कम लोग देखने को मिल रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं, सेशन स्टार्ट करते हैं अपना। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने आपसे वादा किया था कि हम लोग जो है वो क्या करेंगे, सैटरडे और संडे जो है वो क्वेश्चन आंसर एनालिसिस करेंगे। जो पढ़ा वो कैसे पढ़ा, वो क्यों पढ़ा, उसका उपयोग क्या है, ये जानना बेहद ज़रूरी है। स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सैटरडे संडे मैं इस चैनल पे रहूँगा, जिस चैनल का नाम B2M है, बिगनर्स टू मास्टर चैनल है अनअकैडमी का। और हम लोग इस चैनल पे बात करेंगे, क्वेश्चन आंसर एनालिसिस करेंगे। PIB जो मंडे टू फ्राइडे हम लोग पढ़े, उस पढ़ने का हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करेंगे कि हमने जो पढ़ा उसका मेंस में क्वेश्चन अगर हम आएगा तो हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। और मंडे टू फ्राइडे में जो लोग भी मुझसे जुड़ रहे हैं उन लोगों को मैं ये बता दूं कि मंडे टू फ्राइडे हम लोग क्या करेंगे, जो लोग भी देख रहे हैं, पांच लोग हैं अभी, पांच लोग हैं। अभिषेक तिवारी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अभिषेक, कैसे हो अभिषेक? अभिषेक कैसे हैं आप? अभिषेक सोसाइटी वाली क्लास नहीं ले रहे हैं? कल सोसाइटी की क्लास में, कल शाम रात में भी हम लोगों ने सोसाइटी की क्लास की थी। ठीक है, सोसाइटी की क्लास आप नहीं ले रहे हैं, सोसाइटी की क्लास लीजिए, बहुत आपको अच्छा भी लगेगा और मज़ा भी आएगा। ऐप पे ये क्लासेस हैं, ऐप पे आप मुझे सर्च कर सकते हैं दिनेश सिंह के नाम से, वहाँ पे ये क्लासेस हैं, वहाँ आप जाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। शाश्वत सिंह, गुड मॉर्निंग भाई। अचल सिंह, गुड मॉर्निंग। सारे लोग जो जुड़ रहे हैं उनको गुड मॉर्निंग। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम लोगों का मंडे टू फ्राइडे हम क्या करेंगे, हम पूरा PIB का न्यूज़ देखेंगे, PIB के न्यूज़ को देखेंगे, न्यूज़ देखेंगे। और ये जो न्यूज़ है वो UPSC CSE हिंदी पे हम लोग देखेंगे, UPSC CSE हिंदी पे देखेंगे, इस चैनल पे हम लोग देखेंगे। और मंडे टू फ्राइडे के बाद जो है सैटरडे और जो संडे बनता है, उस सैटरडे और संडे जो है वो हम लोग क्या करेंगे, PIB की जो न्यूज़ है उस पर एक एनालिसिस देखेंगे, क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में, मेंस के क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में देखेंगे। एक दो दिन लगेगा मुझे ये चीज़ें सही करने में। अभी आज तो क्वेश्चन आंसर इस तरह से मतलब जो है प्रिंटेड में नहीं बन पाया है, तो मैं ओरली और चीज़ों को करूंगा आपके लिए। लेकिन आने वाले समय में जब आप अगला सैटरडे संडे पाएंगे, विक्रांत राठौड़ हेलो सर, तो जब हम लोग अगला सेशन करेंगे तो उस सेशंस में बाकायदे क्वेश्चन आपके पास होगा, सामने क्वेश्चन स्क्रीन पे होगा। और स्क्रीन पे क्वेश्चन होने के साथ, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, स्क्रीन पे क्वेश्चन होने के साथ साथ जो है उस आंसर कीवर्ड्स होंगे, और फिर मैं उन कीवर्ड्स को लेके आपको ये समझा पाऊंगा कि कैसे चीज़ों को करना है। तो अभी हम लोग इतना ही जानते हैं कि कैसे अभी स्टार्ट करते हैं। कोई भी चीज़ प्रारंभिक स्तर पे बेहतर नहीं हो सकती है, प्रारंभ पे हम लोग शुरू करेंगे और धीरे धीरे हम लोग बेहतरी की ओर बढ़ेंगे। आप लोग सचिन नरेन साहब मोटिवेशन, सचिन कहाँ गायब थे, सचिन कहाँ गायब थे? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सचिन, बहुत लंबे समय बाद मैं आपको देख रहा हूँ, बहुत लंबे समय बाद मैं आपको देख रहा हूँ। स्वागत करता हूँ मैं आपका अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, मैं मुकुलदेव। बहुत लंबे समय बाद आपसे मुलाकात हो रही है। पूरी क्लासेस 8 बजे से चलती हैं UPSC CSE हिंदी पे और आप रहते नहीं हैं, अच्छा नहीं लगता है आपके बिना, तो ज़रूर रहा करें। ठीक है, चलते हैं, आगे चलते हैं। कल आप लोगों ने देखा होगा कि कल रिजल्ट आ गया है, UPSC का रिजल्ट आ गया, PT का काउंटडाउन शुरू हो गया, देखते देखते PT हो गया और देखते देखते अब मेंस भी हो जाएगा।
जो पढ़ रहे हैं वो आ रहा है कि नहीं एग्जाम हॉल में, और जो एग्जाम हॉल में आ रहा है उसको कर पा रहे हैं कि नहीं, यही पढ़ाई का स्तर होता है। अगर पढ़ रहे हैं और एग्जाम हॉल में कर नहीं पा रहे हैं तो बहुत अच्छा नहीं है, पढ़ाई का लेवल बहुत अच्छा नहीं है, ये समझते रहिएगा। सर 7 नवंबर को एयरफोर्स या ग्रुप का अच्छा पेपर है। अभिषेक तिवारी हुआ नहीं है, प्लीज़ आप मेरी बात मानिएगा अभिषेक भाई, आप किसी बात से डिमोटिवेट मत होइएगा, नहीं हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं लाइफ का बहुत परफेक्ट आदमी हूँ और मैं आपका करा दूंगा यूपीएससी। मैं अगर इतना लायक होता तो मैं मेरा खुद का हो गया होता, लेकिन मैं एक चीज़ कर सकता हूँ, मैं एक बड़े भाई के तौर पर अभिषेक तिवारी, मैं आपका बड़े भाई के तौर पर एक मदद कर सकता हूँ कि मैं आपको सही रास्ता दिखा सकता हूँ कि यूपीएससी क्रैक कैसे सही रास्ते पे जाके किया जा सकता है। तो इस रास्ते पे मैं आपको ले के चल सकता हूँ, इस रास्ते को मैं दिखा सकता हूँ, चलना आपको पड़ेगा, मेहनत आपकी होगी। और थोड़ा सा अगर आपको लगता है तो प्लीज़ मेरी सोसाइटी की क्लास कर लीजिए, अनअकैडमी पे है, ऐप पे है, वहाँ पे जाके आप प्लीज़ मुझे वहाँ फॉलो कर लीजिए। और क्लासेस जो है वो 4 बजे से 5 बजे सायंकाल में, और रात में 10 से 11 रात में चलती है, तो प्लीज़ उसको कर लीजिए। राजेश सिंह गुड मॉर्निंग। तो ये है, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, आज बहुत कम लोग हैं, चलते हैं, थोड़ा सा अपना जो करिकुलम है उसको पूरा करते हैं, और कम लोग हैं, धीरे धीरे लोगों तक ये बातें पहुंचेंगी कि पीआईबी का मेंस का क्वेश्चन आंसर एनालिसिस है, और ये यूट्यूब पे पहला एनालिसिस है। यूट्यूब पे मेंस के क्वेश्चन आंसर का एनालिसिस करेंट फॉर्म में नहीं हो रहा है, ये पहला एनालिसिस है जो मैं लेके आ रहा हूं। और मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं कि ये सैटरडे संडे तो नहीं, लेकिन अगला सैटरडे संडे से जितनी बेहतरीन क्लासेस चलेंगी कि पूछिए मत। जो आपके टॉपिक्स होंगे पहले से मैं टॉपिक डिसाइड कर दूंगा कि ये 5 टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा, और इस 5 टॉपिक पे क्वेश्चन आंसर की फ्रेमिंग मैं आपके लिए करा दिया करूंगा। तो चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा क्रैक यूपीएससी सीएससी इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, आप लोग जान रहे हैं इस बात को कि भारत का सर्वाधिक बड़ा प्लेटफॉर्म है, और भारत नहीं पूरे विश्व का प्लेटफॉर्म है ये। यहाँ से चलते हैं, पूछ अगर हमको ये लगे कि व्हाट विल यू गेट, क्या मिलेगा, तो डेली लाइव क्लासेस हमको मिलेंगे, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस मिलेगा, लाइव टेस्ट क्विजेस मिलेंगे, अनलिमिटेड एक्सेस, ये सारी चीज़ें आपको क्या है यहाँ पे, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी, यहाँ पे ये सारी चीज़ें मिलेंगी। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप डाउनलोड कर लें, और इस लर्निंग ऐप का आपको क्या है, लर्निंग ऐप से आप मुझको ढूंढ सकते हैं, आप वहाँ पे मुझे जो है दिनेश सिंह के नाम से ढूंढ सकते हैं, यहाँ पर मैं मुकुल देव के नाम से हूँ और वहाँ पे दिनेश सिंह के नाम से हूँ, तो आप दिनेश सिंह का नाम से ढूंढ सकते हैं। सोसाइटी पे मेरी क्लास जो है वो चल रही है, स्टार्ट हुई है, कल हम लोगों ने फॉर्मेट डिसाइड किया है। कल की क्लास में जो लोग थे सोसाइटी की, उनको समझ में आया कुछ, उनको समझ में आया कुछ, शाश्वत गुड मॉर्निंग। कल जो सोसाइटी की क्लास में जो भी भाई बहन थे उन लोगों को समझ में आ रहा था चीज़ें, तो हम लोग चलते हैं आगे। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप अपना अनअकैडमी का वो ऐप जो है डाउनलोड कर लेंगे। मेरे बारे में सिर्फ एक संक्षिप्त परिचय इतना ले लीजिए कि मेरा नाम मुकुल देव है, और मैं जो है 2013 से ही मैं पढ़ा रहा हूं, 7-8 वर्षों का मेरा अनुभव हो चुका है, यूपीएससी मैंने कई बार दिया, मेरा चीज़ें हुई हैं, मेरा उसका पूरा अनुभव है मुझे कि कैसे किया जाता है, क्या है। और सबसे बड़ी बात कि इंटर कनेक्टिविटी ऑफ टॉपिक्स पे ही मैं बात करता हूं, क्योंकि इंटर कनेक्टिविटी विनेश सिंह सर नहीं, दिनेश सिंह, आप उस पे जाके मुझको फॉलो कर सकते हैं, और अगर आप फॉलो करेंगे और मेरी पिछली क्लासेस को देख लेंगे, जिन लोगों को, हाँ दिनेश सिंह, जिन लोगों को मेरी क्लास देखनी हो, जैसे आज से क्लास करनी हो, तो प्लीज वो वाली क्लास जरूर से कर लें, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि फॉर्मेट क्लियर हो जाएगा। रश्मि सिंह गुड मॉर्निंग रश्मि सिंह। चलते हैं इसके बाद, आप मेरा अगर प्रोफाइल लिंक देखना चाहते हैं, वहाँ पे ऐप पे देखना चाहते हैं, तो ये मेरा प्रोफाइल लिंक है, आप इस पे जाके मुझको सर्च कर सकते हैं, प्रोफाइल लिंक आपको मिल जाएगा। और टेलीग्राम लिंक अगर मैं आपको बताऊँ अपना, तो मेरा मुकुल देव टेलीग्राम लिंक पे अगर आप मुझको ज्वाइन कर लेंगे, तो उसका फायदा ये होगा कि मैं सारे लिंक वहां भेजता रहता हूं, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये जो 1 नवंबर आ रहा है उसके बाद आपको सारे मैटर एकदम रियल फॉर्म में वहां पे मिलते रहेंगे। तो मुकुल देव यूपीएससी यूपीपीएससी ये है वहां का टेलीग्राम लिंक है, तो आप इसको ले सकते हैं। आप देख सकते हैं कि टॉप 100 एजुकेटर्स वहाँ पे हैं आप तैयारी करने के लिए, जिसमें सुदर्शन गुजर साहब हैं, मुदित गुप्ता साहब हैं, मृणाल पटेल हैं, रोमन सैनी साहब हैं, आशीष मलिक साहब हैं, तो ये साहबों की एक अच्छी लिस्ट है, और वहाँ पर ये आपको साहब बनाने के लिए
तैयार बैठे हुए हैं। 24/7 का इंट्रैक्शन लगभग लगभग रहता है। आप देख सकते हैं वहाँ पे चीज़ों को, आप क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस पड़ी हुई हैं, यूट्यूब पे क्लासेस पड़ी हुई हैं, तो आप चीज़ों को अच्छे से कर सकते हैं वहाँ से। अगर मैं चलूँ तो एक कॉम्प्रहेंसिव सिलेबस यहाँ पे, अंशिका अवस्थी गुड मॉर्निंग, अंशिका अवस्थी गुड मॉर्निंग, कॉम्प्रहेंसिव सिलेबस है पूरा का पूरा, एक बड़ा सिलेबस है। और इस बड़े सिलेबस में आप देखें तो पॉलिटी गवर्नेंस पे लगभग लगभग बहुत सारी क्लासेस हैं, ज्योग्राफी पे हैं, साइंस टेक पे हैं, एनसीईआरटी पे हैं, आर्ट एंड कल्चर पे हैं, एनवायरमेंट पे हैं, ऑप्शनल कोर्सेस हैं, हिस्ट्री है। तो मतलब एक मैसेज आ रहा है कि सर आज आपकी क्लास नहीं है क्या? तो आज क्लास चल रही है, यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज आ रहा है कि क्लास नहीं है क्या, क्लास चल रही है, क्लास चल रही है। असल में जो चैनल चेंज हुआ है, उस चैनल चेंज होने का असर ये है कि लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आ सके। तो कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस है। इस कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस के बाद अगर हम लोग चलते हैं यूपीएससी के जो कोर्सेस हैं, उस कोर्सेस को हम लोग देखते हैं, तो एक प्लस और आइकॉनिक के दो कोर्सेस हैं। और अब जो है प्लस की फीसें बढ़ चुकी हैं। जो पहले फीस थी आपको 39,600 देना था, वो फीस बढ़ चुकी है, अब जो है वो 49,500 आपकी फीस है। और अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं तो 44,500 50 रुपीज़ आपको क्या है पे करना पड़ेगा, 44,550। ये एक साल का कोर्स है, 1 ईयर कोर्स है। तो कोर्स में अब फीस का क्या हो गया, फीस बढ़ गई है, 44,550 रुपये आपको क्या है यहाँ पे देने पड़ेंगे। कोर्सेस में फीसें बढ़ चुकी हैं। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको प्लस में, लाइव टेस्ट सीरीज मिलेगा, सर्विस सीरीज अनलिमिटेड, प्रैक्टिस स्ट्रक्चर शेड्यूल, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। अब हम लोग अगर देखते हैं कि 2 साल का जो कोर्स है वो 72,000 रुपये उसकी फीस है, और वहाँ पे आपको 64,800 रुपये देने पड़ेंगे आपको मुझसे जुड़ने के लिए, मुकुलदेव से जुड़ने के लिए आपको इतना फीस यहाँ पे देना पड़ेगा। आइकॉनिक में जाएंगे, आइकॉनिक की फीस सेम है, 64,000 रुपये एक साल का है, और 57,600 रुपये में आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। मुकुलदेव कोड यूज़ कर सकते हैं, और मुकुलदेव कोड यूज़ करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं, हर जगह मुझसे आप जुड़ सकते हैं। अवनीश कुमार सिंह गुड मॉर्निंग। अवनीश जी कल वाली क्लास में नहीं थे क्या? आप तो आप मुकुलदेव से आप मुझको सर्च कर सकते हैं, मुकुलदेव का कोड यूज़ कर सकते हैं, और इस कोड का फ़ायदा आपको मिलेगा कि मेरी पर्सनल आपको मेंटरशिप मिलेगी, मैं आपके लिए चीज़ों को बेहतर तरीके से मैं कर सकता हूँ, मेरे सारे कोर्स आपको स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में देखने को मिलेंगे। वहीं पे अगर फीस लें, 99,000 फीस है, और मुकुलदेव कोड आप यूज़ करते हैं तो 89,100 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा। ये एक सामान्य सी चर्चा है जो मैंने आपके लिए कर दी। अवनीश कुमार सिंह नहीं है, नहीं सर अवनीश क्लास छोड़ो मत। देखो आज की क्लास जो लोग नए हैं उन लोगों को समझ में नहीं आएगा। डेडिकेटेड फोकस ऑन ऑप्शनल सब्जेक्ट है जिसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, PSIR है, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, मतलब आप देखेंगे तो बेहतरीन सब्जेक्ट्स, जो सब्जेक्ट्स यूपीएससी में लिया जाता है उन सारे सब्जेक्ट्स में है। जैसे लिटरेचर में देखेंगे तो हिंदी का भी है, कन्नड़ का भी है, ये लिटरेचर के विषय हैं और ये भी यहाँ पाए जाते हैं, ये भी यहाँ पे है। एंथ्रोपोलॉजी जिनको लेना है, जूलॉजी लेना है, इकोनॉमिक्स लेना है, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा ऑप्शनल में। चलते हैं इस पे जो है, इसके बाद हम लोग अगर चलते हैं तो थोड़ा सा अब हम लोग जो है चलते हैं अपने कोर्स की तरफ। और अपने कोर्स की तरफ देखिए बहुत कम लोग हैं, लेकिन मैं क्वेश्चन आंसर एक जो है मैं आपके लिए कर देता हूँ, एक क्वेश्चन मैं फ्रेम करता हूँ आपके लिए। क्वेश्चन देखिए आने वाले अगले सैटरडे संडे से, जो अगला सैटरडे संडे होगा उसमें पूरे क्वेश्चन की फ्रेमिंग आपके सामने होगी। क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन के बाद पहला पेज ब्लैंक होगा, और उस ब्लैंक पेज के बाद जो है आपको फ्रेमिंग के लिए मैं कुछ टाइम दे दूंगा, 5 मिनट 7 मिनट 5 मिनट के आसपास आप फ्रेम कर लीजिए अपने दिमाग में कि क्या क्वेश्चन को आपको देना है। फिर मैं आपको फ्रेमिंग दिखाऊंगा कि ऐसे फ्रेमिंग की जाती है, फ्रेमिंग ऐसे की जाती है। एक सेकंड बस आप होल्ड करिएगा, बस एक सेकंड। ठीक है, अभी चलते हैं। लगातार मैसेजेस आ रहे हैं कि सर आप नहीं आ रहे हैं क्या, आपकी क्लास दिख नहीं रही है सर। चलिए चलते हैं, जो है क्वेश्चन लेते हैं। जो पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, क्वेश्चन का जरा ध्यान से सुनिएगा, सारे लोगों को क्वेश्चन समझ में आएगा तो यस लिखेंगे मुझको। मैं क्वेश्चन आपके लिए फ्रेम करता हूं। जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन है वो PIB बेस्ड है, PIB का बेस है क्वेश्चन का, ठीक है।
क्वेश्चन मैं आपके लिए फ्रेम करता हूं कि जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार के द्वारा द्वारा किसानों के हित के लिए, मैं क्वेश्चन अभी इंग्लिश में भी बोल दूंगा, केंद्र सरकार के द्वारा किसानों के हित के लिए, किसानों के हित के लिए एमएसपी जारी की जाती है, एमएसपी जारी की जाती है, जारी की जाती है, इन एमएसपी के आधारों पर चर्चा करें, एमएसपी के आधारों पर चर्चा करें, एमएसपी के आधारों पर चर्चा करें, चर्चा करें, एमएसपी के आधारों पर चर्चा करें तथा एमएसपी में समस्याओं को निरूपित करें, निरूपित करें एवं बताएं, एवं समाधान का रास्ता बताएं, एवं समाधान का रास्ता बताएं। ये देखिए, ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहा है, ये क्वेश्चन कुछ समझ में आ रहा है। जितने लोग हैं देखिए कि हम लोगों ने एमएसपी पे खूब बात की है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे बात की। यहां पर एक चीज, ये जो क्वेश्चन है वो ये पूछ रहा है कि बाई द गवर्नमेंट ऑफ एन इंडिया क्या है मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस तय की जाती हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, किसके माध्यम से करती है, सीएसीपी के माध्यम से करती है। सीएसीपी के माध्यम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस लेकर आती है। तो जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो किन आधारों पर आ रहा है, उसका बेस क्या है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसानों के हित के लिए एमएसपी जारी करती है, इन एमएसपी के, अब देखिए यहां कीवर्ड्स कैसे, कभी भी क्वेश्चन पढ़ा कैसे जाता है। देखिए थोड़ा सा स्टार्टिंग में एक दो दिन मैं आपको थोड़ा मैच्योर कर देता हूं, फिर उसके बाद हम लोग ये सेशन बहुत स्मार्टली लेके चलेंगे। अभी ये क्वेश्चन क्या है, पहले अभी ये टाइप नहीं है, ये क्वेश्चन टाइप होता, टाइप होने के बाद क्या है, पहला पेज ब्लैंक होगा और दूसरे पेज पे इस क्वेश्चन में कीवर्ड्स पे कि फोकस करना है, तो वो कौन से कीवर्ड्स हैं और उसके बाद उसकी आंसर की फ्रेमिंग कैसे होगी, ये उस पर मेंशन होगा। मुझे, मेरा काम क्या होगा कि आपके दिमाग में बिठाना कि कीवर्ड्स को कैसे पकड़ा जाता है और कीवर्ड्स को पकड़ने के बाद उसको कैसे फ्रेम किया जाता है। यहां पर क्वेश्चन को अगर देखा जाए, हिना खान गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग हिना, हिना खान जी गुड मॉर्निंग। हम लोग पीआईबी का मेंस का क्वेश्चन आंसर एनालिसिस कर रहे हैं, जो हम लोगों ने अब तक पढ़ा उस क्वेश्चन को हम लोग फ्रेम कर रहे हैं। एक क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार द्वारा किसानों के हित के लिए एमएसपी जारी की जाती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो किसके द्वारा, सीएसीपी के द्वारा की जाती है, और सीएसीपी जो है वो क्या है, कहीं ना कहीं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का एक हिस्सा है और वो जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हिस्सा है। तो यहां पर एमएसपी जारी की जाती है इन एमएसपी के आधार, तो पहला वो क्या पूछ रहा है कि आधार पे चर्चा करिए, उसके बेस को बताइए, मतलब एमएसपी का जो बेस है उसको, बेस को बताइए, ये पहला भाग है क्वेश्चन का। दूसरा भाग है कि एमएसपी में जो बेस है उस बेस के बाद उसकी समस्याओं को, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि मिनिमम जो सपोर्ट प्राइस है वो किसानों को बहुत लाभ नहीं पहुंचा पा रहा है, तो एमएसपी के साथ जो प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड हैं, जो एमएसपी के साथ जो प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड हैं, जो जुड़ी हुई समस्याएं हैं, उन समस्याओं पर बात करना पूछ रहा है। और थर्ड वो आपसे ये जानना चाहता है कि आप समाधान बताइए, आप सोल्यूशन बताइए कि आप सोल्यूशन क्या है इसका, आप इसके सोल्यूशन के रास्ते को तय करिए। ये बात समझ में आ रही है, जितने लोग जुड़े हुए हैं समझ में आ रही है सबको। आज बहुत कम लोग हैं, आज बहुत ज्यादा कम लोग हैं। देखिए आप बहुत कम लोग हैं तो थोड़ा सा एक काम जरूर करिएगा कि इसको लेके सबको सचेत जरूर करिएगा, सबको मतलब जरूर बताइएगा इस क्लास के बारे में, क्योंकि देखिए रियल में फिर पीटी आया, पीटी आया, खूब लोगों ने पढ़ाया, चीजें हो नहीं पा रही उस हिसाब से। पता है मेंस आ रहा है, मेंस में भी लोग, मेंस में तो पहली बात तो कि यूट्यूब पे कोर्स ही नहीं है बहुत सारा। चंदा कुमारी जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हिना खान जी सर खूब पढ़ाया, क्वेश्चन नहीं आया। मेंस में भी, अब मेंस पे तो पढ़ा ही नहीं रहे हैं, अभी भी पीटी फॉर्म में ही चल रहे हैं, ये 1958 ये वो, तो अभी भी मेंस पीटी पे ही वो लोग चल रहे हैं। तो मेंस के फॉर्मेट में अगर आपको ये क्वेश्चन करना है तो आपको बहुत अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। क्वेश्चन, चंदा कुमारी जी आप नई हैं एकदम और पहले के, मतलब पहले के टॉपिक्स हैं, तो आप घबराइएगा मत,
सर चैनल चेंज होने से लगता है कि लोग नहीं आ पाए, सब्सक्राइब कर लीजिए, सैटरडे संडे इसी चैनल पे मैं रहूंगा, सब लोग सब्सक्राइब कर लें मुझे, सैटरडे और संडे मैं इसी चैनल पे रहूंगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी चैनल पे पीआईबी एनालिसिस चलेगा, इसी चैनल पे चलेगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। केंद्र सरकार पूछ रहा है, चंदा कुमारी जी जुड़ी हुई है, मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ। आज थोड़ा सा मैं धीमे चल रहा हूँ, आप लोग बोर मत होइएगा, मेच्योर होइए, धीरे धीरे मैं इस क्लास को भी उसी टर्म पे लेके चलूंगा जैसे हम लोग आगे की क्लासेस करते हैं। केंद्र सरकार द्वारा किसानों के हित के लिए एमएसपी जारी की जाती है, इन एमएसपी के आधारों पर चर्चा करें तथा एमएसपी के समस्याओं को निरूपित करें एवं समाधान का रास्ता बताएं। तो अब आपको क्या करना है, आंसर आप कैसे फॉर्मेट करेंगे, जरा आंसर के फॉर्मेशन पे ध्यान दीजिए। मैं अगर इस आंसर को फॉर्मेट करने के पहले थोड़ा सा मैं अगर एमएसपी के बारे में आपको बता दूं, एमएसपी कौन है, एमएसपी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो कौन जारी करता है, सीएसीपी करती है। और सीएसीपी कैसे करती है, सीएसीपी इस पे कैबिनेट अफेयर्स की बैठक होती है, इकोनॉमिक्स कैबिनेट अफेयर की, और उस इकोनॉमिक कैबिनेट अफेयर्स में बैठक में ये तय होता है कि क्या होगा, और फिर सीएसीपी इसको क्या करती है, जारी करती है। अब ये जो जारी करती है सीएसीपी, ये किस पे करती है, किन फसलों पे करती है, किन क्रॉप्स पे करती है, तो जो क्रॉप्स हैं उसमें खरीफ के भी क्रॉप हैं, खरीफ के भी क्रॉप हैं, उसमें रबी के भी क्रॉप हैं, रबी के भी क्रॉप हैं, और इसमें कमर्शियल क्रॉप्स भी हैं, कमर्शियल क्रॉप्स भी हैं, कमर्शियल मतलब वाणिज्यिक, वाणिज्यिक क्रॉप्स भी हैं, वाणिज्यिक क्रॉप्स भी हैं, मेरी बात समझिएगा। हाँ टोटल 20 23 है, 23 है, 22 प्लस 1 है, 22 प्लस 1 है, ये जो 1 है इस पे फेयर रिम्यूनरेटिव प्राइस होता है, फेयर रिम्यूनरेटिव प्राइस होता है, 22 प्लस 1 है वो टोटल। तो अब ये खरीफ रबी और कमर्शियल जो हैं, जिसमें कमर्शियल में जैसे आप जाइएगा तो यहाँ पे जूट का है, कोपरा का है, और सुगर केन का है, ये सब मैंने चर्चा पहले आप लोगों के लिए कर दी है। तो अब हम लोग देखते हैं कि एमएसपी, तो आप कैसे आंसर को शुरू कर सकते हैं। आंसर को शुरू करने का एक तरीका ये है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है, आप उसकी बातों को एक दो लाइन में आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा सरकार के द्वारा किसानों के हितों को संवर्धन के लिए किया जाता है, संवर्धन के लिए किया किया जाता है, मतलब किसान के हितों को ध्यान में रखते हुए, या उनको क्या करना है, उनको संवर्धित करने के लिए आप कौन कर रहा है, सीएसीपी कर रही है। और फिर आप दूसरी बात क्या कर सकते हैं, पहला पहला पॉइंट जब आप स्टार्ट करें आंसर को लिखना स्टार्ट करें, तो आप पहले पॉइंट्स पे चर्चा करेंगे, एक पॉइंट ये समझ लीजिएगा। दूसरा पॉइंट ये रखिएगा कि किसानों के हित का संवर्धन करना, चूंकि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, अगर आप इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे तो आप कैसे लिखेंगे, जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसका प्रमुख भाग क्या है, उसका प्रमुख भाग कृषि है, और भारत की अर्थव्यवस्था का इकोनॉमिक्स का, या आप कह सकते हैं कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है, जो इकोनॉमिकल भारत की स्थिति है, उसका जो है वो बेस क्या है, वो बेस एग्रीकल्चर है, और एग्रीकल्चर है इसके साथ साथ अन्य जितने भी सेक्टर्स हैं, चाहे वो कौन से सेक्टर्स को मैं ले लूं, अन्य जितने भी सेक्टर्स हैं, हाँ एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक बेस क्या है भारत की अर्थव्यवस्था, भारत एक कृषि देश है, भारत एक कृषि देश है, तो ऐसे में कृषि देश होने के नाते कृषि को बनाए रखने के लिए, या कृषि किसानों को हितों का संवर्धन करने के लिए भारत सरकार के द्वारा क्या जारी किया जाता है, एमएसपी जारी किया जाता है। आप इस क्वेश्चन को इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। अब इस स्टार्ट करने के बाद ज्यादा लाग लपेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो क्वेश्चन में उसने तीन बातें पूछी हैं, जो एग्जामिनर होगा वो यही देखेगा, एग्जामिनर खाली आपसे क्या देखना चाहेगा कि आपने बेस पे बात की है कि नहीं की है, तो सीधे वो बेस पे पूछेगा कि बेस क्या है, बेस, तो अब आपको बेस देखिए बताना है, मैं आपको बेस पढ़ा चुका हूं कि बेस क्या है, अब जरा देखिए कि जो बेस है वो बेस क्या है। तो यहां पर जो बेस है, जो सीएसीपी जिस बेस को आधार बनाती है, उन बेसिस की मैं चर्चा आपके लिए कर देता हूं। सीएसीपी जो बेस बनाती है वो A2 को बनाती है और FL को बनाती है, FL को बनाती है। चंदा कुमारी जी अगर ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा होगा, घबराइएगा मत, हाँ सर यही बात है, खाली मेरी बात बस समझते रहिएगा, घबराइएगा मत एकदम। अब जरा बेस को हम लोग देखते हैं, तो सीएसीपी बेस कैसे बनाती है, मैं देखिए बेस का दो तरीका बताता हूं, एक तो मैंने आपको पीटी में, जो पीआईबी की क्लास में लेता हूं, मैंने उसमें पढ़ाया था, आज मैं एक दूसरे बेसिस पे भी चर्चा करूंगा, लेकिन अभी पहले जो पढ़ाया हूं उसको मैं आपको बता देता हूं कि मैंने क्या पढ़ाया था आपको।
मैंने पढ़ाया था कि जो बेस है, जो सीएसीपी बेस जो तय करती है वो कैसे करती है। सीएसीपी का जो बेस है, जो ए2 का बेस है, अब ए2 के बेस को हम डिकोड कर देते हैं, डिकोड करते हैं तो ए2 के बेस में मैंने क्या पढ़ाया था आपको, प्रत्यक्ष लागत। प्रत्यक्ष लागत, अब देखिएगा अर्थ समझिएगा, प्रत्यक्ष लागत मतलब एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट किसकी, एक्चुअल कॉस्ट, तो एक्चुअल कॉस्ट यहां किसकी, अब जरा देखिए एक्चुअल कॉस्ट किसकी होगी, तो सीड की होगी, बीज की होगी, फर्टिलाइजर की होगी, फर्टिलाइजर्स की होगी, पेस्टिसाइड्स की होगी, पेस्टिसाइड्स की होगी, फिर हायर्ड लेबर। हायर्ड लेबर मतलब जो आपने क्या किया, हायर्ड लेबर का मतलब आपने जो कार्य क्या किया, आपने जो कार्य लिया, किससे लिया, मतलब श्रम, कार्यशील, कार्यशील श्रम, कार्यशील श्रम, ठीक है। उसके बाद आपका क्या लेंगे और हम लोग क्या लेंगे, तो यहां पर हम लोग A2 में लेंगे मशीनरी। मशीनरी मतलब, मशीनरी का मतलब ट्रैक्टर को ले लेंगे, ठीक है, ट्रैक्टर्स मशीनरी हैं और भी जो चीजें उनको हम लेंगे। तो ये प्रत्यक्ष लागत है, एक्चुअल जो आप लगा रहे हैं, सीडिंग लगा रहे हैं, फर्टिलाइजर्स लगा रहे हैं, पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं, आप लेबर को हायर कर रहे हैं, प्लस क्या कर रहे हैं, डीजल, इलेक्ट्रिसिटी, ये ट्रैक्टर या ये ट्रैक्टर चलाने के लिए मशीनरी में, या तो ये या पंप आप चलाते हैं, पंप चलाते हैं इरिगेशन के लिए आप करते हैं, ये पंप क्यों चलाते हैं, इरिगेशन के लिए चलाते हैं, मतलब सिंचाई के लिए चलाते हैं, और ये मशीनरी क्यों यूज कर रहे हैं आप, ये मशीनरी क्यों यूज कर रहे हैं, प्लोइंग के लिए, खेत को जोतने के लिए कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें प्रत्यक्ष लागत में आती हैं, तो ये हमारा आधार है, सीएसीपी इस आधार को लेती है, तो पहला आधार। तो अब आपको कैसे लिखना होगा, आपको लिखना होगा इसी तरह से, आपको लिखना क्या होगा, आपको लिखना होगा कि सीएसीपी निम्न प्रमुख आधारों की चर्चा करती है, निम्न प्रमुख आधारों को ध्यान में रखते हुए क्या करती है, एमएसपी की घोषणा करती है, जिसमें पहला आधार जो है वो क्या होगा, पहला आधार प्रत्यक्ष लागत होगा। और इस प्रत्यक्ष लागत को आप कैसे कर लिखेंगे, प्रत्यक्ष लागत लिखेंगे, सीएसीपी के आधारों की चर्चा करेंगे, उसमें प्रत्यक्ष लागत वो लिखेंगे, और उस प्रत्यक्ष लागत में ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट और ई पॉइंट लिखेंगे। सर गवर्नमेंट फॉर्म के जो पॉइंट दिए थे वो नहीं लिख सकते, सर गवर्नमेंट फॉर्म, हाँ, तो ये तो गवर्नमेंट फॉर्म का ही जो पॉइंट है वही तो लिख बता रहा हूं। गवर्नमेंट A2 को डिसाइड करती है। अब अगर आप एग्जाम एग्जाम हॉल में A2 लिख के आएंगे तो A2 बहुत क्लियर नहीं होगा, A2 मत लिखिएगा, आप A2 को डिकोड कर दीजिएगा, वहां पे एग्जामिनर के लिए A2 को डिकोड करिएगा। एग्जामिनर को पता है कि लड़के को A2 तो याद है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको आंसर को डिस्क्राइब करना है, ये फैक्ट पीटी तो है नहीं, डिस्क्राइब करना है। तो जब डिस्क्राइब करना होगा तो आपको आंसर को क्या करना पड़ेगा, इलोबरेट करना पड़ेगा। तो आपने इलोबरेट कैसे किया, आपने लिखा कि सीएसीपी निम्न आधारों पर एमएसपी जारी करती है। पहला आधार होगा प्रत्यक्ष लागत, और ये प्रत्यक्ष लागत किन आधार, किससे बना हुआ है, किससे मिलके बना है, यहां पे आप A2 लिख दीजिएगा ऐसे, और ये मिलके किससे बना है, तो सीड है, फर्टिलाइजर है, पेस्टिसाइड्स है, कार्यशील जनसंख्या है, इन आधारों पे, तो प्रत्यक्ष लागत हो गया। दूसरा उसने पहला ये, और फिर दूसरा आप इसको यहां पे आधारों में चर्चा करिएगा, तो दूसरा आधार जो है वो किसको करिएगा, तो वो जो है पारिवारिक श्रम की लागत, पारिवारिक, पारिवारिक श्रम की लागत, श्रम की लागत, यहां पर अंग्रेजी में मैं इसका टर्म बोल देता हूं, इंप्यूटेड कॉस्ट, इंप्यूटेड कॉस्ट, इंप्यूटेड कॉस्ट ऑफ फैमिली लेबर, ऑफ फैमिली लेबर। नहीं, फॉर्म टू फोक वाले पॉइंट पे क्यों जाएंगे, देखिए सब लोग सुनिएगा, विक्रांत राठौर साहब मुझसे पूछ रहे हैं कि सर वो फार्म टू फोर्क वाले पॉइंट पे, नहीं फार्म टू फोक वाले पॉइंट पे क्यों जाएंगे, हमसे तो सीधे उसने पूछ रखा है ना, आप सभी लोग मेरी बात से सहमत है ना, कि भाई उसने पूछ रखा है कि सीएसीपी का आधार बताइए, जो एमएसपी जारी की जा रही है उसमें सीएसीपी का आधार बताइए। तो आधार पे, आधार जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है उससे फॉर्म टू फोर्क से कोई संबंध नहीं है, फॉर्म टू फोर्क तो वो दूसरी चीजें हैं, वो तो कहीं ना कहीं अगर आप उसमें जाएंगे, खाद्य प्रसंस्करण में जाएंगे, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम में जाएंगे, फूड चेन मैनेजमेंट में जाएंगे, वहां पे फॉर्म टू फोर्क है। यहां पे क्या है, एग्रीकल्चर सेक्टर में सीएसीपी के आधारों पे हमको चर्चा करनी पड़ेगी, तो पारिवारिक श्रम की लागत पे जाएंगे। पहला आधार क्या है, प्रत्यक्ष लागत, और दूसरा आधार क्या है, पारिवारिक श्रम की लागत, जिसको क्या कहा गया है, जिसको एफएल कहा गया है, एफएल कहा गया है,
इसमें क्या है, एफएल का मतलब होता है फैमिली लेबर, एफएल का मतलब होता है फैमिली लेबर। यहां मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, देखिए मेंस की क्लास बहुत दूसरे ढंग से चलती है, पीटी की क्लास से ये बहुत डिफरेंट होती है। यहां पर बेस में आपने सीएसीपी का A2 डिसाइड किया कि A2 क्या है, और एफएल का मतलब होता है फैमिली लेबर। फैमिली लेबर का मतलब जैसे मैं, मेरी मेरी वाइफ और मेरे दो बच्चे और मेरे पास एक खेत था, तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग जब खेतों में काम करते थे तो उस काम की भी क्या होगा, उस काम का भी तो मूल्य होगा। तो जो अब तक था वो यही था कि हम किस चीजों को कर रहे हैं, प्रत्यक्ष लागत को लेते हैं और पारिवारिक श्रम की लागत को हम लोग ये सीएसीपी आधार बनाती है। तो ये दो बड़े आधार हैं जिनकी चर्चा आपको हर जगह मिलेगी, लेकिन कुछ आधार ऐसे हैं जिनकी चर्चा आपको हर जगह नहीं मिलेगी, लेकिन सीएसीपी उस पर ध्यान देती है। उन आधारों पे मैं अब आपको लेके चलता हूं कि वो आधार क्या हैं। जरा मेरी बात समझिएगा, सीएसीपी इन आधारों पे भी ध्यान देती है। सीएसीपी देखिए ज्ञान का संवर्धन कैसे होता है सर, इसमें लाने की कॉस्ट भी आती है, इसमें लाने की कॉस्ट भी आती है ना, ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा। अब थोड़ा सा मेरी बात को और समझिएगा, थोड़ा सा मेरी बातों को और समझिएगा। सीपीसीपी और क्या करती है, सबसे बड़ी बात है सीएसीपी F2 को तो लेती ही है, F2 को तो वो ज्वाइन करेगी ही करेगी, F2 को कर ले, FL को कर लेगी, FL को प्लस A2 को तो करेगी ही करेगी। और क्या करती है मेरी बात समझिएगा, सबसे बड़ा जो सीएसीपी करती है वो सीएसीपी देखती है कि जो क्रॉप है, उस क्रॉप का जो मूल्य है, जो वैल्यूज हैं, वो नेशनल लेवल पे क्या है, और इंटरनेशनल में क्या है, मतलब इंटरनेशनल में क्या है, ये भी सीएसीपी ध्यान देती है। ये कहीं मिलेगा नहीं, ये जब आप सीएसीपी की साइट को विजिट करेंगे तो वहां पे ये बातें मिलेंगी आपको। जो क्रॉप है मतलब यहाँ का फसल के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों को भी सीएसीपी ध्यान रखती है, फसल के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों को ध्यान में रखती है। क्या जरूरत है सीएसीपी को ध्यान में रखने की, सीएसीपी इसलिए ध्यान में रखती है कि कहीं इंटरनेशनल मूल्य ज्यादा है, पता चला इंटरनेशनल मूल्य ज्यादा है और नेशनल लेवल पे आप उसको क्या कर रहे हैं, आप उसको एमएसपी बहुत कम करके रखे हैं, तो किसान क्या होगा, हतोत्साहित होगा, उस फसल को करने के लिए, क्योंकि एमएसपी तो बहुत कम है। मैं एग्जाम्पल समझा देता हूँ सारे लोगों को, मान लीजिए एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ वीट का, और वीट जो इंटरनेशनल लेवल पे बिक रहा है, मान लीजिए मैं उसको कहता हूं कि 1500 रुपए कुंतल बिक रहा है, और भारत सरकार ने वीट पे जो दे रखा है वो 1100 दे रखा है, तो ये जो इंटरनेशनल मार्केट है, ये इंटरनेशनल जो मार्केट है, इंटरनेशनल मार्केट में इसका रेट बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट में रेट ज्यादा है लेकिन एमएसपी बहुत कम घोषणा हो रही है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस बहुत कम किया जा रहा है, तो क्या होगा, किसान बहुत फसल इसकी नहीं बोएगा, और जिससे क्या है, इसका उत्पादन प्रभावित होगा, भारत में उत्पादन होगा नहीं। अब उत्पादन नहीं होगा तो हम इसको क्या करेंगे, हम दूसरे देशों को हम भेज नहीं सकते हैं, हम इसका एक्सपोर्ट बहुत नहीं कर पाएंगे। तो भारत सरकार इस बात को जरूर ध्यान रखती है कि जो क्रॉप है, जो फसल है, उसके नेशनल और इंटरनेशनल मूल्य क्या हैं, और इस नेशनल और इंटरनेशनल मूल्य को क्या करते हैं, वो कंपरेटिवली स्टडी करते हैं, मतलब उसका क्या करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, और उस अध्ययन करने के बाद सीएसीपी क्या करती है, जारी करती है। देखिए जो मेन पॉइंट है वो मेन पॉइंट ये है सीएसीपी का, प्रत्यक्ष लागत और दूसरा पारिवारिक श्रम की लागत, ये दो मेन पॉइंट्स हैं, एक तो A2 और दूसरा FL। लेकिन जो और सीएसीपी करती है वो क्या करती है, वो इसका भी अध्ययन करती है, क्रॉप के फसलों का नेशनल और इंटरनेशनल पे करती है। दूसरा वो क्या करती है, अब इसी पॉइंट से आप एक और चीजों को ला सकते हैं, जैसे इसी पॉइंट्स पे मैं आपको समझा रहा हूं, जैसे यहां पे क्या है, डिमांड और सप्लाई पे भी ध्यान देती है, मांग पे और आपूर्ति पे। पता चला कि आप क्या है, सीएसीपी करती क्या है, मान लीजिए कोई फसल है, इस पे एमएसपी उसको जारी करना है, तो वो ये भी ध्यान रखती है कि इस फसल का, इस क्रॉप की डिमांड कितनी है, और अब तक इसकी सप्लाई कितनी हो रही है। मतलब मान लीजिए कोई फसल हो, जैसे मैंने एक फसल का नाम ले लिया, मैं कॉटन का नाम ले लेता हूं, या फिर मैं एक नाम ले लेता हूं जिसका, कॉटन का ही ले लेता हूं ज्यादा अच्छा होगा, कॉटन का है ज्यादा अच्छा होगा। समझ में कुछ आ रहा है, कुछ आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, प्लीज अगर नहीं आ रहा हो तो नो लिखिए, और आ रहा हो तो यस लिखिए।
आ रहा हो तो प्लीज यस लिखिए। देखिए जो लोग जैसे चंदा कुमारी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, चंदा कुमारी जी को हो सकता है न समझ में आ रहा हो। यस सर, ठीक है, चंदा कुमारी जी को हो सकता है न समझ में आ रहा हो। पूजा, यस सर, श्रीकेश मौर्या, जी सर, अगर चंदा कुमारी जी को नहीं समझ में आ रहा होगा तो उसका मेन ये है क्योंकि वो मेरी सारी क्लासेस नहीं ली हैं। मुझे अब सारी क्लासेस लेंगी तो उनको बहुत इजी हो जाएगा, इजी हो जाएगा। हिना खान, यस सर, ठीक है, थैंक यू हिना। अवनीश कुमार, यस सर। पूजा, लैंड की कॉस्ट के बारे में बता दीजिएगा। हाँ, लैंड की कॉस्ट के बारे में बता देंगे, लैंड की कॉस्ट के बारे में इन चीजों पे हम लोग चर्चा करेंगे। रंगराजन कमेटी, अभी यही प्रॉब्लम लाया गया ना, रंगराजन कमेटी अभी पूछा है ना क्वेश्चन में, समस्या क्या है, समस्या में चलेंगे तो करेंगे। आयुषी पांडे, यस सर। चंद्रा चंदा कुमारी, रिपीट। मैडम रिपीट करूंगा तो क्वेश्चन छूट जाएगा। सिर्फ इतना आप समझिए कि यहाँ पे जो सीएसीपी है, सीएसीपी को मतलब जो ये न्यूनतम समर्थन मूल्य है, उस न्यूनतम समर्थन मूल्य को भारत सरकार सीएसीपी के द्वारा जारी करती है और उसमें जो बेस है वो A2 का है और FL का बेस है। अब हम लोग चलते हैं, देखिए मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो ये बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि देखिए किताबों में इतना क्रमबद्ध तरीके से लिखा नहीं है। हमेशा याद रखिएगा, जैसे कॉटन है, अब यहाँ पे जो सीएसीपी जारी करती है वो डिमांड और सप्लाई पे भी ध्यान देखती है, मतलब मांग और आपूर्ति पे भी उसका क्या है, दिमाग है। मांग और आपूर्ति का मतलब है जैसे कॉटन है, हमारी जनसंख्या क्या हो रही है, हमारी पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है, हमारी पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है, और उस पॉपुलेशन को डिमांड क्या है, उसको कॉटन चाहिए। क्यों? क्योंकि उसको कपड़ा चाहिए पहनने के लिए, वस्त्र ढकने के लिए कपड़ा चाहिए। लेकिन जो सप्लाई है, क्योंकि आप जानते हैं कॉटन हमारे यहाँ हिंदुस्तान में कहाँ कहाँ होता है, तो एक महाराष्ट्र का बड़ा रीजन है, आप जरा समझिएगा, महाराष्ट्र में होता है, दूसरा कहाँ होता है, गुजरात में होता है, तीसरा कहाँ होता है, तो कुछ तमिलनाडु का सेक्शन ले लीजिए। यही तीन मेजर बेल्ट हैं, तीन मेजर बेल्ट यही हैं, इसके बाद छिटपुट होते हैं। तो ये तीन मेजर बेल्ट हैं और इन्हीं तीन मेजर बेल्ट्स पे पूरा जो हिंदुस्तान है वो कपड़ा क्या है, पहनता है। अब भारत सरकार इस बात पे ध्यान देगी कि जो सप्लाई है वो इन्हीं तीन स्टेट से आ रही है और बाकी जगह से सप्लाई लगभग लगभग नहीं के बराबर है और डिमांड लगातार बढ़ रही है। तो भारत सरकार क्या करेगी कि कॉटन पे जब वह मिनिमम सपोर्ट प्राइस को तय करेगी तो वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस को क्या है, चूंकि डिमांड को फुलफिल करने के लिए, मतलब मेरी बात समझिएगा, डिमांड को फुलफिल करने के लिए, मतलब जरूरतों को पूरा करने के, फुलफिल करने के लिए, जरूरतों को पूरा करने के लिए, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, जरूरतों को पूरा करने के लिए, भारत सरकार क्या करती है, सीएसीपी के माध्यम से भारत सरकार करती क्या है, भारत सरकार जरूरतों को पूरा करने के लिए जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसको क्या करती है, बढ़ा देती है, ताकि यहां के तो किसान तमिलनाडु महाराष्ट्र गुजरात के तो बोए बोए और अच्छा बोए, अन्य भी इंक्रीज कर देगी। हाँ एकदम सही पकड़ रहे हैं आप शेख जी, इसी के साथ साथ क्योंकि डिमांड क्या है, डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, तो सप्लाई को पूरा करने के लिए, डिमांड को पूरा करने के लिए एमएसपी बढ़ाया जाता है, एमएसपी सरकार बढ़ा देती है कॉटन पे, एमएसपी सरकार बढ़ा देगी क्योंकि उसको पता है कि जनसंख्या बढ़ रही है और उस जनसंख्या को क्या चाहिए, वस्त्र चाहिए, अपना तन ढकने के लिए वस्त्र चाहिए, उस वस्त्र के उत्पादन के लिए उसको कॉटन रॉ मटेरियल है, तो उस कॉटन के लिए वो क्या हो, भारत में अभी तक तमिलनाडु महाराष्ट्र और गुजरात का जो बड़ा बेल्ट है वहां के किसान तो कर ही रहे हैं, और भी अन्य किसान इस फसल को बोएं, उनको ये लगे, अन्य किसानों को ये लगे कि एमएसपी इस पे ज्यादा है, इस पे ज्यादा फायदा होगा, तो वहां के भी किसान क्या हो जाएं, प्रोत्साहित हो जाएं। तो अब समझिएगा कि सीएसीपी का जो डिमांड है, ठीक है, जो सीएसीपी का डिमांड है यहाँ पे, एक तो नेशनल इंटरनेशनल को ध्यान में रखता है, दूसरा क्या करता है, मांग और आपूर्ति को ध्यान में रखता है। अब जरा तीसरी बात मेरी समझिएगा, और भी सीएसीपी बेस देखता है, सीएसीपी और भी बेस देखता है। अब सीएसीपी के एक बेस को और ले लेते हैं हम लोग, जैसे सीएसीपी देखता है कि उन फसलों पे, जैसे कुछ फसलें ऐसी हैं, देखिए मेरी बात समझिएगा, सम क्रॉप्स आर ऐसे, कुछ क्रॉप्स ऐसी होती हैं जिनके खरीदार ही नहीं होते हैं, खरीदार नहीं होते। अलसी, जैसे अलसी क्रॉप है, जैसे आपके लिए मैं नाइजर सीड कर देता हूं, मान लीजिए मैं नाइजर सीड कर देता हूं, नाम ही नहीं सुना होगा नाइजर सीड, जैसे नाइजर सीड के साथ साथ मैं आपको जो है सोयाबीन, सोयाबीन का नाम ले लेता हूं, सोयाबीन जो है या नाइजर सीड है, इनकी फसलों का खरीदार बहुत लोग नहीं होते हैं, लेकिन इनकी एक डिमांड जो है वो मार्केट में बनी रहती है,
मार्केट में बनी रहती है। जैसे मैं आपके लिए और अगर कर दूं तो सेफ्लावर का नाम ले लूं, या फिर मैं आपका जूट, जिसे जूट का ही नाम ले लेता हूं, जूट का, तो जूट के खरीदार आप हम तो नहीं होंगे, कम से कम हम लोग तो नहीं खरीदेंगे, जूट को खरीदने वाली कंपनीज होंगी ना, तो या बड़े उद्योग होंगे या व्यापारी होंगे। तो जैसे क्या है, सीएसीपी करती क्या है, वह यह देखती है कि किन फसलों के खरीदार नहीं है, खरीदार खरीदार ज्यादातर लोग नहीं है, खरीदार नहीं है। अगर खरीदार बहुत लोग नहीं है तो सीएसीपी उसके क्या करती है, उसके एमएसपी को, एमएसपी उस पे क्या करती है, जारी भी करती है और बढ़ा के जारी करती है। क्योंकि खरीदार नहीं होगा तो किसान बोएगा नहीं, मेरी बात पॉइंट याद रखिएगा, किसान बोएगा नहीं, और किसान बोएगा नहीं तो धीरे धीरे फसल क्या हो जाएगी, लुप्त हो जाएगी, लुप्त हो जाएगी। मतलब क्या है लुप्त होने का, मतलब कि भारत में इस फसल का क्या होगा, भारत में इस फसल को बोया नहीं जाएगा, और फिर आपको क्या करना पड़ेगा, चूंकि डिमांड थोड़ी सी है ही है तो आपको बाहर से मंगाना पड़ेगा, सप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, विदेशों से मंगाना पड़ेगा। जैसे पाम ऑयल आपके यहाँ तो नहीं होता है, पाम ऑयल आप क्या करते हैं, पाम ऑयल तो आप बाहर से मंगाते हैं ना, मलेशिया से मंगाते हैं ना। तो धीरे धीरे भारत सरकार क्या चाहती है, भारत सरकार चाहती है कि आप अपने यहाँ पे ही कर लें। तो सीएसीपी इस बात पे ध्यान जरूर रखती है कि जो फसल है, मतलब मैं आपके लिए लिख दे रहा हूं हिंदी में, कि फसल के लिए खरीदार संस्था है कि नहीं है, फसल के लिए खरीदार संस्था, खरीदार की संस्था है कि नहीं है। अगर नहीं होगी या लोग नहीं होंगे तो सीएसीपी जरूर एमएसपी इस पे जारी करेगी, ताकि हाँ मलेशिया से, ताकि जरूर से जरूर क्या हो, इन चीजों का हो सके। और सीएसीपी क्या करती है, जरा मेरी बात समझिएगा, सीएसीपी मजदूरी मूल्य भी ध्यान देखती है, याद रखिएगा, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, मजदूरी मूल्य, मजदूरी मूल्य, लेबर कॉस्ट, याद रखिएगा, लेबर कॉस्ट। अब मेरी लेबर कॉस्ट को मतलब समझिएगा, लेबर कॉस्ट को सीएसीपी बहुत ध्यान में रखती है, लेबर कॉस्ट को, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये सारे बेसिस पे मैं चर्चा कर रहा हूं, लेबर कॉस्ट। अब आप सारे लोग, चंदा कुमारी जी ये बात देखिए कैसे आपको समझ में आएगी, मैं आपको समझाता हूं। यहां पर अगर लेबर कॉस्ट पे आप जाएं तो जो बिहार में लेबर कॉस्ट है, बिहार में लेबर कॉस्ट है, या जो छत्तीसगढ़ में लेबर कॉस्ट है, छत्तीसगढ़ में, या जो झारखंड में लेबर कॉस्ट है, या जो उड़ीसा में लेबर कॉस्ट है, ये सारी एरियाज में, क्या ये लेबर कॉस्ट पंजाब में जो लेबर कॉस्ट है, जो हरियाणा में लेबर कॉस्ट है, या फिर जो वेस्टर्न यूपी में लेबर कॉस्ट है, या फिर मैं महाराष्ट्र में लेबर कॉस्ट को कर देता हूं, क्या दोनों बराबर है, क्या आप लोग सहमत हैं, दोनों बराबर होगी क्या, जरा यस या नो लिख के बताइए। टॉपर्स पॉइंट एक ये है, इन्होंने पूछा है एक सवाल, इन्होंने पूछा है, इनका जवाब भी देना बनता है। टॉपर्स पॉइंट जी, पहली क्लास है ये आपकी, इज इट योर फर्स्ट क्लास, इज इट योर फर्स्ट क्लास, टॉपर जी, अच्छा कुछ समझ में आ रहा है टॉपर्स पॉइंट, कुछ आपको ये बात समझ में आ रही है कि हम लोग किस विषय पे बात कर रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं कि हम लोग पीआईबी का सेशन लेके आए हैं, मेंस एनालिसिस का सेशन लेके आए हैं। अच्छा टॉपर्स, यस सर, चलिए ठीक है, आप जुड़े रहिए, हम लोग हफ्ते में 5 दिन जो है यूपीएससी सीएससी हिंदी चैनल पे हम लोग करते हैं, तो पीआईबी का जो न्यूज है उसको लेते हैं, और आगे जो है, आई ज्वाइंट रिसेंटली, टुडे इज योर फर्स्ट क्लास ना, टुडे इज योर फर्स्ट क्लास, चलिए ठीक है। आपका जो क्वेश्चन है सर, फिर इसका असर आउटसोर्सिंग पर नहीं होगा, आउटसोर्सिंग जो बाहर से मंगाना हो, याद रखिएगा मेरी बात, टॉपर्स पॉइंट जरा ध्यान रखिएगा, आउटसोर्सिंग भारत सरकार क्या है, भारत सरकार का पूरा बल है कि आउटसोर्सिंग को क्या करे, आउटसोर्सिंग को रोके, भारत सरकार का पूरा बल है कि आउटसोर्सिंग को रोके। क्यों? क्योंकि आउटसोर्सिंग के कारण क्या होता है, जो फॉरेन आपका रिजर्व है, जो फॉरेन रिजर्व है वो क्या होता है, फॉरेन रिजर्व्स जो आपके हैं वो कम होते हैं, और भारत सरकार जानती है कि फॉरेन रिजर्व्स कम होने के कारण आपका अंतर्राष्ट्रीय जो साख है, इंटरनेशनल जो आपकी जो साख है वो कम होगी। पहली बात याद रखिएगा, इंटरनेशनल साख कम होगी, और कहीं ना कहीं करेंट अकाउंट डेफिसिट पे और बजट डेफिसिट पे इसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा। तो इसीलिए भारत सरकार आउटसोर्सिंग को कम करना चाहती है, बात समझिएगा, ठीक है। हम लोग चलते हैं अपने अपने उस पे टॉपिक पे। मैंने लेबर कॉस्ट की बात की और मैंने पूछा कि क्या बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड में, उड़ीसा में जो लेबर होगा उसकी जो कॉस्ट होगी वो क्या कॉस्ट पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी और महाराष्ट्र में भी होगी? नहीं, दोनों में डिफरेंस होगा, दोनों में डिफरेंस होगा।
दोनों में डिफरेंस होगा। अगर यहां का बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा का जो मजदूर है वो 200 रुपए दिहाड़ी में काम कर सकता है, 200 रुपए दिन में काम कर सकता है 8 घंटे, तो वहीं पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, महाराष्ट्र में ये जो कॉस्ट होगी वो 300 होगी, 300 होगी। अब जरा आप मुझको बताइए कि हम लोगों ने पहला जो टॉपिक पढ़ा था, जो पहला टॉपिक पढ़ा था उसमें जरा देखिएगा, पहले टॉपिक पे जो हम लोग पढ़े थे हिना खान, अब जो पहला टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था उस पहले टॉपिक पे अगर हम जाएं तो वहां पे हमने क्या कहा है, हायर्ड लेबर। हायर्ड लेबर का एक शब्द पढ़ा है, हायर्ड लेबर, जैसे हायर्ड लेबर का मतलब है कार्यशील श्रम। टॉपर्स, ये आप जो क्वेश्चन ले रहे हैं ये दूसरी दिशा में आप लेके चले जा रहे हैं, दूसरी दिशा में लेके जा रहे हैं। बट सर ऑफन वी हैव हर्ड टू एनहेंस द एफडीआई एंड अदर साइड वी हैव प्रॉफिटेड इट वाइड, सो सर ये क्वेश्चन आप दूसरे दिशा में लेके जा रहे हैं टॉपर्स पॉइंट साहब। यहां पे इस बात का एफडीआई से तो कोई मतलब ही नहीं है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से मतलब नहीं है। यहां पे हम क्या चाहते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो हमारे यहां बढ़े, लेकिन हम ये भी तो चाहते हैं कि हमारे यहां बढ़े, हमारे यहां चीजों में बढ़े, हर चीज में फॉरेन मतलब इन्वेस्टमेंट बढ़े, हमारे यहां पे पैसा आए, लगे, हमको रोजगार मिले, हमारे यहां रिसोर्स जनरेट हो, ये तो हम चाहते हैं। लेकिन उस रिसोर्स को क्या है वो हम ये नहीं चाहते कि वो जो पैसा हमारे यहां लगे फिर हम अपने खाद्य संसाधनों को मंगाने के लिए उस पैसे को खर्चा कर दें। बात समझिएगा, यहां पे पॉइंट्स दूसरे जा रहे हैं, आप थोड़ा सा चीजों को बस पेशेंस के साथ बने रहिए। यहां पर जो हमने हायर्ड लेबर की बात की थी, जो फर्स्ट टॉपिक में हम लोगों ने पहला देखा था कि हायर्ड लेबर, जो हायर्ड लेबर है अगर उस हायर्ड लेबर को सीएसीपी इस बात को ध्यान में रखती है कि जो पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी और महाराष्ट्र है इन पे क्या है, यहां पर पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी और महाराष्ट्र में जो लेबर कॉस्ट है वो 300 रुपया डे है और यहां पे क्या है 200 रुपया डे है, तो यहां हायर्ड लेबर क्या हो गया, यहां हायर्ड लेबर कॉस्टली हो गया और यहां पे चीपली हो गया। तो अब इस कॉस्टली और चीपली का अंतर क्या होगा कि मान लीजिए यहां पे भी गेहूं बोया गया और यहां पे भी गेहूं बोया गया, तो यहां पे गेहूं का पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी और महाराष्ट्र में जो गेहूं की लागत होगी, जो कॉस्ट होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा ना, इनपुट कॉस्ट उसकी ज्यादा होगी। मतलब ये यहां पे गेहूं के उत्पादन में लगा हुआ खर्च क्या होगा, यहां 1100 रुपए होगा, और यहीं पे अगर हम बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड के क्षेत्रों में देखें गेहूं के उत्पादन पे तो यहां पे कितना होगा, यहां पे 1000 रुपए होगा। तो ये दोनों क्या है, दोनों डिफरेंस हैं, तो डिफरेंस है और इस डिफरेंस, और मान लीजिए क्या हुआ, अब इस डिफरेंस के दिक्कत ये हो सकती है कि मान लीजिए सीएसईपी ने कहा कि हम 1200 रुपए कुंतल गेहूं लेंगे, 1200 नहीं, स्टेट वाइज नहीं होता यहां पे, ये नहीं समझना है। आप लोग फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बहुत पूछते हैं, आप ये समझिए ना कि स्टेट वाइज यही तो सीएसईपी करती है। सीएसईपी करती क्या है, सीएसईपी करती है कि जो लेबर कॉस्ट है उस लेबर कॉस्ट को ध्यान में रखती है, कि लेबर कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए हमको जारी करना है, कहीं ऐसा ना हो कि एक जगह श्रम बहुत सस्ता है और कहीं ऐसा ना हो कि श्रम एक जगह बहुत महंगा है। तो क्या करती है सीएसईपी, ऐसा एमएसपी जारी करेगी कि दोनों लोगों को लाभ क्या है, दोनों स्टेट को लाभ हो सके। जैसे यहां पे क्या है 1100 हुआ, यहां पे 1000 हुआ, अब मान लीजिए 1200 रुपए उसने लाभ किया, तो 1200 पे तो इसको तो 200 रुपए का लाभ हो गया, लेकिन इसको क्या है, इसी को 100 रुपए का लाभ हुआ। तो वो कुछ बीच का रास्ता अपनाती है। ठीक है, तो ये बीच का रास्ता अपनाती है। टॉपर्स, ये यहां पे इंडस्ट्री नहीं, एग्रीकल्चर पे बात चल रही है मेरे भाई। बट सर इफ यू इनहेंस एफडीआई दैट विल कम विथ इंडस्ट्रीज, दिस माइट बी अफेक्टेड योर लेबर वेजेस। सर यहां किस बात पे बात चल रही है, आप किस बात पे बात कर रहे हैं? सर आप मेरी क्लासेस बने रहिए, आपके सारे प्रश्नों का मैं जवाब दे दूंगा, आप घबराइए मत। ठीक है, आप परेशान न होइए, इन चीजों का भी जवाब दे दूंगा। फिलहाल आप ये सीएसईपी समझ पा रहे हैं कि नहीं, टॉपर्स पॉइंट? चलिए चलते हैं। तो ये हो गया सीएसईपी का आधार पे मैंने बात कर दी। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है समस्या, प्रॉब्लम क्या है सीएसईपी के साथ, जो एमएसपी जारी की जाती है वो प्रॉब्लम क्या है, एमएसपी के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या होती है। खुश चौधरी, यस सर, अच्छा हैं क्या खुश चौधरी आप, धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। अब ये जो प्रॉब्लम्स एरियाज हैं, उन प्रॉब्लम्स एरियाज को हम जाएं तो प्रॉब्लम एरिया में क्या किया जाता है, प्रॉब्लम्स एरियाज क्या है, प्रॉब्लम एरिया जो है वो प्रॉब्लम्स में जाएंगे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आएगी, लागत मूल्य का। जो एमएसपी जारी करने में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सीएसईपी की वो क्या है, वो इसी लागत मूल्य का ही है।
मतलब जो आपका प्रोडक्शन कॉस्ट आ रहा है उस प्रोडक्शन कॉस्ट में बहुत कुछ अंतर देखने को मिलता है। जैसे अंतर किसको देखने को मिलेगा, एक तो लेबर का अंतर देखने को मिलेगा, लेबर का जो कॉस्ट है वो बहुत डिफरेंट होता है। ये बहुत बड़ा ये प्रॉब्लम जो है एमएसपी जारी करने में देखने को मिलती है, और इससे कहीं ना कहीं एक आपका जो रीजन है उसको ज्यादा लाभ मिलता है और एक जो रीजन है उसको कम लाभ मिलता है। तो ये लेबर कॉस्ट पे हम लोग बात कर लेंगे। दूसरा क्या है, आप अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप ये पंजाब का क्षेत्र है, ये हरियाणा का ले लेता हूं मैं, और वहीं पे मैं बिहार का ले लेता हूं, ठीक है, बिहार का ले लेता हूं। ये दोनों जो एरियाज हैं, इन दोनों एरियाज में जो ये सॉइल है, सॉइल मैं दोनों एरियाज की सॉइल को ले लेता हूं। अब जो दोनों एरियाज हैं, उन दोनों एरियाज की जो सॉइल है वो क्या है, सेम है क्या, सेम है क्या? नहीं, सेम नहीं होगी, सॉइल सेम नहीं होगी। और सॉइल सेम नहीं होगी तो प्रोडक्टिविटी क्या होगी, प्रोडक्टिविटी भी सेम नहीं होगी। ठीक है सर, आपका ठीक है। सैयद हुसैन साहब, सलाम वालेकुम। अब जरा मेरी बात समझिएगा, जो पंजाब हरियाणा की सॉइल है और जो बिहार की सॉइल है, दोनों की प्रोडक्टिविटी, सॉइल डिफरेंट है, सॉइल डिफरेंट के साथ साथ दोनों की प्रोडक्टिविटी भी डिफरेंट होगी, दोनों की प्रोडक्टिविटी भी डिफरेंट होगी। देखिएगा, आपको लगता है ना कि बहुत इजी है कि सीएसीपी जारी कर देता है, सीएसीपी को बहुत बहुत ज्यादा परेशानी होगी जारी करने में। वालेकुम सलाम, धन्यवाद, खुदा की रहमत मुझ पर बनी रहे, धन्यवाद इसके लिए। यहाँ पर एमएसपी जारी करने में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, एक तो लेबर कॉस्ट को लेके प्रॉब्लम है, दूसरी जो प्रॉब्लम है वो सॉइल प्रोडक्टिविटी को लेके प्रॉब्लम है, जिसको सीएसीपी ध्यान में नहीं रखती है। तो हमको ये अपने आंसर में बताना है कि देखिए, एमएसपी जारी करने में सीएसीपी को ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि जो सॉइल है, जो हर जगह की सॉइल्स हैं, जो पंजाब हरियाणा की सॉइल है वो महाराष्ट्र की सॉइल नहीं है, उसकी महाराष्ट्र की सॉइल में डिफरेंट है, तो उसकी प्रोडक्टिविटी में क्या होगा, उसकी प्रोडक्टिविटी डिफरेंट होगी। इसी तरह से जो बिहार की सॉइल है, वहीं पे आप वेस्टर्न यूपी और ईस्टर्न यूपी को देखेंगे तो उनकी उनकी सॉइल्स में डिफरेंशिएट होगा। इसी तरह से हर एरिया की सॉइल डिफरेंट होगी, और अगर हर एरिया की सॉइल डिफरेंट है तो उसकी प्रोडक्टिविटी पे कुछ पॉजिटिव या कुछ निगेटिव इम्पैक्ट्स पड़ सकते हैं। तो यहां पर जो बात है वो क्या है, मतलब मैं इस बात को कह सकता हूं कि जो देश में राज्य हैं, जो देश में राज्य हैं, इन राज्यों में उत्पादकता में क्या होगा, अंतर होगा, उत्पादकता में अंतर होगा। मतलब जो प्रोडक्शन होगा क्रॉप्स का, वो अंतर होगा। प्रोडक्टिविटी नॉट टेकन इन कंसिडरेशन, नहीं लिया जाता है इसको, नहीं लिया जाता है। इसको लेने की बात की जा रही है कि आप इसको लीजिए, क्योंकि सब जगह की सॉइल एक नहीं है, कहीं पे क्या है। जैसे मैं आपको बता दूं, जो लोग बिहार से मेरे साथ जुड़े हुए हैं या जो लोग उत्तर प्रदेश के हैं, यहाँ पे 1 बीघा, अगर 1 हेक्टेयर में हमने क्या कर दिया, चावल बो दिया, तो यहाँ पर तकरीबन 5 से 7 कुंतल जो है वो निकल आएगा। लेकिन यहीं पे अगर हमने क्या किया, हम जो महाराष्ट्र के, हम मध्य प्रदेश के बेल्ट में 1 हेक्टेयर में चावल बो रहे हैं, तो वो 5 से 7 हेक्टेयर क्या, 1 हेक्टेयर भी नहीं, 1 कुंतल भी नहीं निकल पाएगा, 1 कुंतल भी नहीं निकल पाएगा। अब यहां पर हेक्टेयर क्या है, यहां पे 1 हेक्टेयर में इतना उत्पादन है और यहां पर 1 हेक्टेयर में 1 कुंतल उत्पादन है, तो ये दोनों के लिए आपने एक ही एमएसपी जारी कर दी है। खुश चौधरी, मी फ्रॉम बिहार, खुश चौधरी आप बात समझिएगा। तो अब अगर ये दोनों में डिफरेंस है तो आपने एमएसपी तो एक ही जारी कर दी, जबकि यहां पे लागत मूल्य क्या हुआ, 1 हेक्टेयर में अगर 1 कुंतल हो रहा है तो लागत मूल्य बढ़ चुकी है उस किसान की, और 1 हेक्टेयर में 7 कुंतल है तो उसकी लागत मूल्य दूसरी है। यहां पे इनपुट दूसरा हो गया और यहां पे इनपुट दूसरा हो गया, लेकिन आपने क्या किया, सीएसईपी ने एक ही इनपुट पे जारी कर दिया है। तो ये एक बहुत बड़ा समस्या है एमएसपी। आप प्रॉब्लम्स को जब डिनोट करेंगे तो प्रॉब्लम्स को डिनोट करने में आप इस बात को जरूर लिखेंगे कि क्या है, देश में अंतरराज्यीय फसलों के उत्पादकता में अंतर है, देश में अंतरराज्यीय जो इंटर स्टेट्स हैं उनके फसल की उत्पादकता में क्या है, फसल की उत्पादकता में अंतर है। और ये अंतर क्यों है, ये अंतर वहां के सॉइल में अंतर है, ये अंतर वहां की जलवायु में अंतर पैदा करता है, मतलब सॉइल सॉइल और क्लाइमेट। देखिए, सॉइल कैसे बनती है, अगर आपसे कोई पूछे कि सॉइल कैसे, अगर मैं आपको लिए थोड़ा सा यहां कर दूं, कहीं जगह नहीं है क्या, 1 सेकंड, थोड़ा सा मैं जगह ढूंढ लूं। आपसे कोई पूछे कि सॉइल क्या है, सॉइल, तो आप कहेंगे जो सॉइल होती है वो क्लाइमेट से मिलके बनती है, दूसरा ऑर्गेनिज्म से मिलके बनती है, ऑर्गेनिज्म से मिलके बनती है, तीसरा रिलीफ से मिलके बनती है,
फोर्थ पेरेंटल रॉक, मेरी बात समझिएगा थोड़ा सा, मैं ज्योग्राफी को जोड़ रहा हूं, और फाइव टाइम को, इससे मिलके बनता है। क्लाइमेट का मतलब जलवायु, ऑर्गेनिज्म का मतलब जैविक जीव, रिलीफ का मतलब है, रिलीफ का यहां मतलब उच्चावच, उच्चावच, और पेरेंटल रॉक का मतलब है यहां पे चट्टाने, चट्टाने, और टाइम का मतलब है समय। जो सॉइल होगी वो सॉइल किससे मिलके बनेगी, इन सभी फैक्टर से मिलके बनेगी, क्लाइमेट से, जलवायु से, ऑर्गेनिज्म से, रिलीफ से, पेरेंटल रॉक से और टाइम से। जब इनका कॉम्बिनेशन होता है तभी सॉइल क्या होती है, जनरेट होती है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, सब मेंस टॉपिक ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। अब क्लाइमेट क्या, जो मध्य प्रदेश की क्लाइमेट है, जो बुंदेलखंड की क्लाइमेट है, अब मेरी बात समझिएगा, जो बुंदेलखंड की क्लाइमेट है वही क्या पूर्वांचल की क्लाइमेट है, वही क्या पूर्वांचल की क्लाइमेट है? नहीं। क्लियर सर? हाँ, थैंक यू थैंक यू। जो बुंदेलखंड की क्लाइमेट है, बुंदेलखंड की क्लाइमेट है, या जो विदर्भ की क्लाइमेट है, विदर्भ की, ठीक है, विदर्भ की जो क्लाइमेट है वो क्या है, डिफरेंट है, और पूर्वांचल की क्लाइमेट डिफरेंट है। क्लाइमेट डिफरेंट होगी तो सॉइल में डिफरेंशिएट आपको देखने को मिलेगा। ऑर्गेनिज्म अगर डिफरेंट होगा, वहां पे ऑर्गेनिज्म जीव जो है वो डिफरेंट होंगे तो सॉइल में अंतर देखने को मिलेगा। रिलीफ में भी डिफरेंट होगा तो देखने को मिलेगा। इसी तरह से पेरेंटल रॉक, जो जिन चट्टानों से मृदा मिलके बनी होती है, उनको देखने से आपको अंतर देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजों का सॉइल पे इंपैक्ट पड़ता है। तो यहां पर जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम लोगों को क्या समझना है, हम लोगों को ये बात समझ लेनी है कि देश में क्या हो रहा है, कि जो राज्यों में जो फसलें हैं उनके उत्पादकता में अंतर है, और सीएसीपी को ये समस्या है कि सीएसीपी को इन बातों को क्या रखना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, आप कुल मिलाकर कह क्या सकते हैं, आप कुल मिलाकर कह सकते हैं, मेरी बात पॉइंट, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, सब लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि एक एमएसपी नीति सब पर लागू नहीं हो सकती, क्योंकि हर जगह का उत्पादकता का लेवल अलग अलग है, हर जगह की मजदूरी का स्तर क्या है, अलग अलग है। तो आप हर जगह एक ही एक फार्मूला पे आप पूरे इंडिया को सेट नहीं कर सकते हैं। जो एमएसपी के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो यही है। और एमएसपी के साथ जो तीसरी प्रॉब्लम है, वो तीसरी प्रॉब्लम जो है एमएसपी के साथ जो जारी की जा रही है, जो प्रॉब्लम बताई जा रही है, वो क्या है, वो थर्ड प्रॉब्लम जो है वो रंगराजन कमेटी को आप लोग यहां मेंशन कर दीजिएगा, रंगराजन कमेटी को। रंगराजन कमेटी मैंने पढ़ा रखा है ये कमेटी आप लोगों को। रंगराजन कमेटी क्या कहती है कि अभी तक आप क्या करते थे, A2 और FL को जारी करते थे, इसी को ध्यान में रखते थे। आप क्या करिए, आप C2 को भी कर लीजिए, C2 को भी कर लीजिए, मतलब आप C2 फॉर्मूला को भी क्या करिए, करिए। इस C2 फॉर्मूला में क्या है, इस C2 फॉर्मूला में वो कहता है कि जो इंप्यूटेड रेंट ऑन हिज ओन लैंड है, जो किसान का लैंड है, ये किसान की लैंड है, मान लीजिए। अब तक क्या होता था, जो इनपुट आप लगाते थे, जो मशीनरी लगाते थे, जो आप इरिगेशन फैसिलिटी लगाते थे, जो आप मजदूरों को लगाते थे, उनका उनको तो आप जोड़ते थे, आप उस लैंड का रेंट नहीं जोड़ते हैं। तो आप लैंड के रेंट को भी उसमें जोड़िए। मतलब वो कह रहा है कि भारत सरकार, स्वामीनाथन रंगराजन साहब भारत सरकार से कह रहे हैं कि आप किसानों का जो एमएसपी जारी करते हैं सीएसीपी के माध्यम से, उस सीएसीपी के माध्यम में आप किसानों के खेत का रेंट नहीं जोड़ते हैं, खेत के रेंट को भी जोड़िए। क्योंकि खेत का रेंट, अगर वो खेत में मान लीजिए उत्पादकता नहीं कर रहा है, वो किसी को रेंट पे दे दिया, तो वो देगा ना 2-4 हजार रुपए, और आप इस 4 हजार रुपए या 10 हजार रुपए अगर सालाना मिल रहा है तो आप इसको जोड़ते नहीं हैं अपने एमएसपी में, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो आप रंगराजन कमेटी को भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि रंगराजन कमेटी के द्वारा जो निरूपित प्रॉब्लम है वो भी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जो बुंदेलखंड में जमीन होगी, जो मतलब बुंदेलखंड में जो जमीन होगी उसका जो रेंट होगा, और जो यहाँ पे पूर्वांचल में होगी उसका रेंट क्या सेम होगा? नहीं, उसका रेंट सस्ता होगा, बुंदेलखंड वाली का सस्ता होगा, इसके वाली का महंगा होगा। तो इसको भी आपको, इसको भी शामिल करना है। तो आपने ये किया कि एमएसपी की प्रॉब्लम्स को आपने बता दिया, और इस एमएसपी की प्रॉब्लम को बताने के बाद अब वो थर्ड क्वेश्चन पे अगर हम जाते हैं, क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पे जाते हैं, तो उसमें वो ये पूछ रहा है कि भाई अब आप ये बता दीजिए हमको कि इसको हम सॉल्व कैसे करें, समाधान कैसे करें। तो समाधान का जब आप नजरिया जाएंगे, तो समाधान के नजरिया में आप जाएंगे
तो सबसे बड़ा समाधान आप क्या बताएंगे कि एमएसपी को जोन वाइज डिक्लेयर किया जाए, आप एक जोन बना लीजिए। जैसे जोन कैसे बनाएंगे, पंजाब हरियाणा दिल्ली एक जोन बना लीजिए। मैं आपके लिए थोड़ा सा एक पेपर नया ले लेता हूं, जैसे वो ये कह रहा है कि आप समाधान बताइए, समाधान क्या है, सॉल्यूशंस क्या हैं, सॉल्यूशंस क्या हैं, वो पूछ रहा है क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में पूछ रहा है। समझ में आ रहा है कुछ लोगों को, आ रहा है समझ में, प्लीज यस अगर हो तो यस लिख दीजिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एग्रीकल्चर जोन एज ए पर क्लाइमेट, हाँ वो उनका कहना है कि आप जोन बनाइए और इस जोन में जब आप जोन को डिसाइड करिए तो दो तीन बातों को थोड़ा सा समझ लीजिए, आप लेबर को थोड़ा सा समझ लीजिए, उसके बाद उस क्लाइमेट को भी ध्यान में रखिए और उस सॉइल को भी ध्यान में रखिए कि वहां की क्लाइमेट और सॉइल कैसी है। अब इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए क्या है, जैसे मान लीजिए एक जोन मैंने बता दिया पंजाब हरियाणा दिल्ली, यहां लगभग लगभग जो है वो क्लाइमेट, लगभग लगभग सॉइल, सॉइल तो नहीं, दिल्ली में सॉइल थोड़ा सा डिफरेंट हो जा रही है, लेकिन क्या है इनको लेबर, तो लेबर क्लाइमेट सॉइल इनको ध्यान में रखते हुए इनके लिए एमएसपी अलग होनी चाहिए। वहीं पे अगर बिहार के लिए कर रहे हैं आप, यूपी के लिए कर रहे हैं तो इनके लिए कुछ अलग होनी चाहिए। वहीं पे जैसे महाराष्ट्र जैसे गुजरात तो वहां पे थोड़ा सा अलग कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा ये सोल्यूशन आप बता तो रहे हैं, ये बहुत टफ सोल्यूशन है, लेकिन आपको आंसर कंप्लीट करना है तो आप ये बताएंगे कि आपको क्या करना है, एमएसपी को जोन वाइज डिक्लेयर किया जाए पहली बात सॉल्यूशन में, दूसरी बात रंगराजन कमेटी को लागू किया जाए, रंगराजन कमेटी को लागू किया जाए और रंगराजन कमेटी को आप इतना ही लिखेंगे बात, रंगराजन कमेटी के द्वारा दिए गए सुधारों को लागू करे, लागू करने का प्रयास करना चाहिए भारत सरकार का। और जिसमें क्या है, जिसमें आप जो है क्या जोड़ें, अब तक आप करते क्या थे, A2+FL करते थे, अब आप क्या करें C2=A2+FL आप जारी करें, मतलब C2 को भी आप क्या कर लें, आप जो जारी करें, आप जो एमएसपी जारी करें उस एमएसपी में अब क्या कर लें C2+A2+FL, मतलब यहां C2 का मतलब आप जरूर इतना बात याद रखिएगा कि जमीन की किराए की लागत, जो जमीन जिस पे किसान बो रहा है जमीन के किराए की लागत भी जोड़ें, तो आप रंगराजन कमेटी की बात करेंगे। थर्ड आप बात करेंगे कि एमएसपी को भारत सरकार को क्या करना चाहिए, भारत सरकार को बढ़ा कर देना चाहिए। क्यों बढ़ा कर देना चाहिए, क्योंकि किसान क्या है, अन्नदाता है। दुनिया में आप सब कुछ क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, लेकिन अन्न अगर इसी तरह सिकुड़ते रहा तो फूड सिक्योरिटी सबसे बड़ी समस्या भारत में होने वाली है। इसलिए एमएसपी आप किसानों को जितना डायरेक्ट लाभ पहुंचाएंगे, किसान ही है मान लीजिए उद्योग को लाभ पहुंचाए, उद्योगपति फरार हो गया, उद्योगपति फरार हो गया तो उससे आपको बहुत फायदा नहीं है, लेकिन किसान को लाभ पहुंचेगा तो किसान का हित उसी देश के हित में रहेगा। मतलब किसान के पास पैसा हुआ तो देश में ही पैसा रहेगा, वो बाहर नहीं जाने वाला है, घबराइएगा मत। तो किसान एमएसपी को बढ़ाकर किसानों को देना चाहिए, जिससे किसानों के हितों का क्या है, संवर्धन हो सके। फिर उसके बाद जो है, जो ई नैम मैंने आज तक आप लोगों को नहीं पढ़ाया है, तो ई नैम जब कभी टॉपिक मेरा करंट में आएगा तो मैं ई नैम पे आपको उससे पूरी चर्चा करूंगा। हाँ विजय माल्या और नीरव मोदी का लोन दीजिए, को दीजिए, फार्मर को नहीं, को हाँ मोदी जी को लोन दीजिए, अच्छा इन लोगों को लोन दिया गया फार्मर को नहीं, सही बात है, फार्मर्स को देना चाहिए। तो यहाँ पे एमएसपी बढ़ाने की बात की गई है और ईनैम को लागू करने की बात की गई कि इसको सख्ती से लागू किया जाए। ये हो गया क्वेश्चन आंसर का मेरा पूरा सेशन आपके लिए, मैंने आपको एक क्वेश्चन करके दिखा दिया है। थोड़ी सी हम लोग खबरों में चलते हैं, थोड़ा एक खबर, एक दो खबरें इंपॉर्टेंट है। देखिए आने वाली जो क्लासेस हैं, जो अगले सैटरडे संडे से या जो उसके बाद सैटरडे, मतलब 1 नवंबर से जो क्लासेस होंगी वो बहुत अच्छे फॉर्मेट पे होंगी, मतलब पूरा क्वेश्चन लिखा होगा आपके सामने, उस क्वेश्चन के बाद एक ब्लैंक पेज होगा और मैं आपको पूरा 5 मिनट टाइम दूंगा कि आप फ्रेम कर सकते हैं। उसके बाद मैं कीवर्ड्स पे चर्चा करूंगा और उसके बाद उस आंसर की फ्रेमिंग पे, जो मैं आज लिख के बता रहा हूँ आंसर की फ्रेमिंग वहां पे होगी। देखिए ये क्लास एक चीज याद रखिएगा, उसी के लिए प्रोडक्टिव होगी, उस बच्चे के लिए ज्यादा प्रोडक्टिव होगी जो मेरी 5 क्लासेस करेगा। 5 क्लासेस आप नहीं करेंगे तो आपको ये फोकस नहीं होगा, क्योंकि अगर आप करंट अफेयर्स को मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ रहे हैं, शुरू से एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, तो आप लास्ट में नहीं कर पाएंगे, ये चीजें प्रॉब्लम आएंगी। तो ये हो गया, अब हम लोग थोड़ा सा चलते हैं चीजों को लेके आगे चलते हैं थोड़ा सा, एक सेकंड। ये मैंने आपके लिए पहला क्वेश्चन डिस्कस कर दिया। सर इसका पीडीएफ भी अवेलेबल होगा? सर हाँ पीडीएफ अवेलेबल होगा खुश चौधरी, एकदम होगा। प्रॉफिट के बाद क्या बोले हैं, मैं कहां प्रॉफिट बोला हूं, क्या बोला हूं, मुझे खुद ही याद नहीं आ रहा है।
पूजा क्या बोला हूं, कहां पे जरा बताइएगा। एक चीजें और थोड़ा सा समझ लीजिएगा, वो जो मैंने बोला है कि आप प्रॉफिट को क्या करिए, आप प्रॉफिट किसानों को ज्यादा देंगे तो इससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूती ही होगी, इसी पे मैंने बात की थी। और मैंने कहा था कि जो नेशनल कमीशन ऑन फार्मर बना हुआ है, किसान के ऊपर जो पहला जो कमीशन बना, नेशनल कमीशन ऑन फार्मर, जो जिसकी जिसको एम एस स्वामीनाथन साहब क्या कर रहे हैं, उसको लीड कर रहे हैं, उसमें क्या है, उसमें सी2 फार्मूला पे बात की गई है, उसमें सी2 फार्मूला पे बात की गई है, स्वामीनाथन साहब की सी2 फार्मूला पे बात की गई है, उसको भी यहां पर क्या करना है, उसको भी यहां पर हमको क्या करना है, जोड़ना है। मैंने इस पे बात की है। एक कल की खबर आई है, उस खबर को थोड़ा सा मैं आपको कर देता हूं। इसका सर, इसका नोट्स कैसे बनाएं, चंदा कुमारी घबराइए मत, बस क्लास में बने रहिए। आने वाले समय में धीरे धीरे मैं सारा पीपीटी डालता रहूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, प्लीज उसको ज्वाइन कर लीजिए, मुकुल देव यूपीएससी UPPCS, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। चंदा कुमारी जी नोट कर लें, और इस टेलीग्राम चैनल पे जब आप जाएंगी तो आपको ये सारे PDF भी मिलेंगे। अभी नहीं, 1 नवंबर से मिलना शुरू होंगे। मैं अभी माफी चाहूंगा, और हाथ जोड़ के मैं माफी चाहूंगा अपने सभी लोगों से कि मैं लगातार दे नहीं पा रहा हूं, मैं चीजों को दे नहीं पा रहा हूं, तो मैं माफी चाहूंगा। तो लेकिन 1-2 नवंबर से पढ़ने लगेगा प्रॉपर वे में, तो आप वहां से नोट्स कर सकती हैं, और क्लास में बने रहिएगा, क्लास में बने रहिएगा। जरा आप चलते हैं, कल की एक खबर है, थोड़ा सा उसको ले लेते हैं। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड पे, ये इकोलॉजी पे है, और कुछ न कहीं ये फैक्चुअल खबरें हैं। तो ये फैक्चुअल, यूपीएससी में फैक्ट नाम की कोई चीज नहीं होती है, यूपीएससी में ऑब्जर्वेशन होता है। ऑब्जर्वेशन होता है मतलब आप चीजों को कितना गंभीरता से देख रहे हैं। तो यहां पर प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड जारी किया गया है, और ये जो प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड है, इस पे कहानी क्या आ रही है। कल जो हमारे पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय के जो मंत्री साहब हैं, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, राज्य मंत्री हैं, उनका नाम, जो जिनका नाम है बाबुल सुप्रियो, बंगाल से आते हैं, बहुत अच्छे गायक भी हैं। बाबुल सुप्रियो साहब ने कल जानकारी दी है, वहाँ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में आके इन्होंने बोला कि जो हम लोग चला रहे हैं प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड जो चला रहे हैं, उस पे उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड पे भारत सरकार जो है वो क्या है, प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है। प्रतिबद्ध और कटिबद्ध का मतलब कि भारत सरकार इस बात के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है कि वो क्या करेगी, वो स्नो लिपोर्ट, प्रोजेक्ट स्नो लिपोर्ट को क्या करेगी, जारी रखेगी। और स्नो लिपोर्ट को, प्रोजेक्ट को जारी रखने के साथ साथ उसका जो हैबिटेट है, जो उसका आवास है, मतलब जो हैबिटेट का मतलब होता है कि जहां पे वो रहता है, आवास का मतलब होता है जहां पे वो रहते हैं। ये आवास का रहने का मतलब समझिएगा, ये टेक्नोलॉजीज के शब्द हैं, जरा समझिएगा। जहां वो ब्रीडिंग करता हो, जहां वो फूडिंग करता हो, जहां पे वो क्या है, प्रजनन कर रहा है, जहां पे वो अपने खाना खा रहा है, या जहां पे वो उसकी वो एरिया, ये फूडिंग और ब्रीडिंग की एरियाज को ही हैबिटेट कहा जाता है, ठीक है। फीडिंग और ब्रीडिंग, हाँ, उत्तराखंड है, उत्तराखंड है। ब्रीडिंग और फूडिंग, ब्रीडिंग का मतलब प्रजनन करना, और फूडिंग का मतलब जिस एरिया तक वो अपने फूड की तलाश में आगे बढ़ता है, वो सारा क्षेत्र क्या है, वो हैबिटेट है, हैबिटेट है। यहां मेरा एक कॉन्सेप्ट समझिएगा, ब्रीडिंग तो ठीक है, ब्रीडिंग तो ठीक है कि वो ठीक है, चलिए, लेकिन जो फूडिंग के तलाश में वो निकलते हैं, फूडिंग की तलाश में जो निकलते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये बहुत आगे तक बढ़ाते हैं। और इसी फूडिंग की तलाश में जब आगे तक बढ़ते हैं, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, मानव पशु संघर्ष देखने को मिलता है, याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि अपनी फूडिंग की तलाश में, जैसे क्या है, जैसे जितना बड़ा जानवर होगा, वो उसका फूडिंग हैबिटेट उतना ही ज्यादा दूर होगा, उतना ही ज्यादा। जैसे शेर क्या है, शेर अपने शिकार की तलाश के लिए क्या है, कम से कम 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है। तो उसका फूडिंग जो हैबिटेट होगा वो ज्यादा लंबा होगा, और ज्यादा लंबा होता है तो एनिमल और मैन कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट अभी क्या हुआ, हाल के दिनों में बहुत बढ़ा है। देखिएगा मेंस पे इसी तरह मैं क्वेश्चन बना दूंगा कि मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट से आप क्या समझते हैं, और मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए भारत सरकार का प्रयास। मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट इट्स आल्सो रिलेटेड पाषाण युग। अरे नहीं भाई, इतना क्यों खुश,
इतना नहीं सोचना चाहिए, पाषाण युग नहीं है, पाषाण युग में मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। वो जो तुम देख रहे हो उसमें होता क्या था मैं बता दे रहा हूं। जैसे खुश चौधरी का एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, मैं बता तो देता ही हूं। वहां पे था क्या कि जो पाषाण युग में था उसमें मैन की जो फूडिंग हैबिट्स थी, जो मैन की फूडिंग हैबिट्स थी, मतलब वो भी क्या करता था, वो भी शिकार ही करता था, शिकार पे ही निर्भर था। और जो पशु था वो भी क्या करता था, वो भी शिकार ही करता था। तो दोनों को शिकार पे ही निर्भर थे, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता था। आज मैन फूडिंग, खाली मैन शिकार नहीं करता, मैन खाली ऐसा नहीं है कि उसी पे फोकस रहता है, अब मैन जो है वो एग्रीकल्चर पे भी फोकस रहता है। तो अब सिनेरियोस चेंज है, पाषाण युग में सिनेरियोस चेंज था, अब चेंज है। पाषाण युग में जैसे मान लो मैं हूं शेर और तुम हो आदमी और पाषाण युग है, तो हम दोनों की प्रॉब्लम क्या थी कि हम दोनों शिकार करना चाहते थे। तुम मेरा शिकार करना चाहते थे कि तुम मुझे खा जाओ, मतलब जो है आदमी हो तुम मुझे खा के अपना जीवन यापन कर सको, और मैं शेर हूं तो मैं तुम्हें खाने का प्रयास करता था। लेकिन अब हमारी फूडिंग हैबिट्स चेंज हैं। आप ये देखिएगा कि अगर जो शेर है वो मानव भक्षी बड़ा कम होता है, मानव भक्षी कम होता है, वो मानव भक्षी शेर नहीं हो रहे हैं आजकल, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इन चीजों में लेकिन मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि ब्रीडिंग और फूडिंग, देखिए आवास को मैंने आपको डिफाइन कर दिया कि हैबिटेट क्या होता है, और ब्रीडिंग और फूडिंग दो चीजें होती हैं हैबिटेट में। ब्रीडिंग तो ठीक है, ब्रीडिंग वो कर लेते हैं, लेकिन फूडिंग हैबिटेट्स की तलाश में वो बहुत आगे निकल जाते हैं। और इसी इसी हैबिटेट को बचाए रखने के लिए क्या किया जा रहा है, यहां पर प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड चलाया जा रहा है। अब आपको मैंने समझाया होगा, अब इस प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड में इन्होंने, देखिए मेरी क्या बातें हैं, इन्होंने तीन लार्ज लैंडस्केप को लिया है। अब देख मेरी बात समझिएगा, हैबिटेट का मतलब मैंने आपको बताया, हैबिटेट का मतलब मैंने आपको बताया कि जो फूडिंग और ब्रीडिंग का मतलब बताया कि अपने भोजन की तलाश में और अपने प्रजनन, जहां पर वो प्रजनन करते हैं ब्रीडिंग, तो ब्रीडिंग के लिए तो ठीक है, फूडिंग के लिए हैबिटेट जो है वो क्या करते हैं, लंबा सफर तय कर लेते हैं। तो इसीलिए भारत सरकार के जो केंद्रीय राज्य मंत्री साहब थे जिनका नाम है बाबुल सुप्रियो, उन बाबुल सुप्रियो महोदय ने किया क्या, उन्होंने एक बात कह दी, उन्होंने किया क्या, उन्होंने कहा कि एक बड़ा लैंडस्केप लिया। बड़ा लैंडस्केप का मतलब होता है कि एक लंबा क्षेत्र, एक लंबा असलाकृति को उन्होंने कवर किया है, असलाकृति को, ताकि क्या है, प्रोजेक्ट जो स्नो लेपोर्ड है, जो स्नो लेपर्ड है, इनको हम क्या कर सकें, इनकी इनको संरक्षण कर सकें। और वो जो तीन लंबे लैंडस्केप की बात की जा रही है, हाँ, खुश चौधरी एरिया निवास स्थल, उस बड़े लैंडस्केप को उन्होंने जो चिन्हित किया है वो क्या है, जरा समझ लीजिएगा, हेमिस स्फीति, हेमिस स्फीति, हेमिस स्फीति एक पहला है। दूसरा उन्होंने पहचान किया है एक हेमिस स्फीति अक्रॉस, जो जो हेमिस स्फीति है मैं आपके लिए बना दे रहा हूं, जरा समझिएगा मेरी बात। हेमिस स्फीति का एक एरिया जो उन्होंने लिया, इस हेमिस स्फीति के एरिया को वो ले रहे हैं लद्दाख से लेके हिमाचल प्रदेश तक, हिमाचल प्रदेश तक। एक पहला एरिया उन्होंने ले लिया। दूसरा एरिया वो कहते हैं कि नंदा देवी, नंदा देवी, नंदा देवी, नंदा देवी, ये पूरा का पूरा जो नंदा देवी है, उत्तराखंड का एरिया इसमें शामिल है, उत्तराखंड का एरिया पूरा शामिल है। और वहीं पर थर्ड एरिया को अगर हम लेते हैं तो ये सिक्किम का एरिया है, सिक्किम का एरिया है, और सिक्किम और प्लस अरुणाचल प्रदेश का एरिया है। इसको इन्होंने कहा है कि त्वांग, त्वांग हम लोगों ने पढ़ा था सिक्किम में, हम लोगों ने त्वांग पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, सारे लोगों ने पढ़ा था। तो उन्होंने कहा कि त्वांग का एरिया और खांगे चे दोंग जोंग का एरिया, जो यहाँ पे खंग चे दो जोंग का एरिया, तो इन्होंने तीन एरियाज के ऊपर बात की है। कहा सुप्रियो साहब ने कहा, इस बात पर जोर दे के कहा कि सरकार की जो मंशा है वो अगले 5 वर्षों में भारत में, वो सरकार की जो मंशा है वो अगले 5 वर्षों में, नेक्स्ट 5 ईयर्स में क्या करना है, नेक्स्ट 5 ईयर्स में भारत सरकार क्या चाहती है, भारत सरकार ये चाहती है कि जो स्नो लेपर्ड्स हैं इनकी संख्या क्या हो, बढ़े, हिम तेंदुओं की आबादी को बढ़ाने का संकल्प भारत सरकार ले रही है। और उस संकल्प को तभी पूरा किया जा सकता है जब हम उसके लैंडस्केप्स को क्या करें, हम उसके लैंडस्केप्स को संरक्षित रखें उसके लिए, क्योंकि अब लैंडस्केप्स में क्या हो रहा है, ह्यूमन मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है। उस मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को बचाने के लिए अभी वर्तमान में बाबुल सुप्रियो या भारत सरकार के माध्यम से तीन क्षेत्रों को चिन्हित किया गया, और जो तीन क्षेत्रें समर्पित हैं उन तीन क्षेत्रों में समर्पण कौन कौन सा है, जम्मू कश्मीर लद्दाख का क्षेत्र है, लद्दाख का क्षेत्र है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश है,
ये जो है ये पांचों बेल्ट्स उन्होंने बताया कि इन पांचों बेल्ट्स पे क्या करना है, हम लोगों को काम करना है। यहां पर जरा देख लीजिए, मैं आपको दिखा रहा हूं ये पूरा का पूरा एरिया, ये पूरा एरिया आप देख लीजिए, ये पूरा एरिया देखते चलिए आप, ये पूरा एरिया है ये सिक्किम अरुणाचल प्रदेश, ये पूरा लैंडस्केप, मतलब आप उसको समझिए कि उसका फूडिंग लैंडस्केप कितना बड़ा है, फूडिंग लैंडस्केप उसका कितना बड़ा है, उसका फूडिंग लैंडस्केप कितनी बड़ी एरियाज में है। तो ये करने की बात चली गई है। अब जरा आप और बातों को समझ लीजिए मेरे साथ, हिमते दुआ ये क्या है, पांच राज्यों में इसकी बात की गई है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, सिक्किम अरुणाचल प्रदेश, ये सब है ठीक है। और जो ये जो हिम तेंदुआ है, स्नो लेपर्ड है ठीक है, खुश चौधरी यहां पे देख लीजिए, यहां पे मेरी बात जरा ध्यान से सब लोग सुन लीजिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो स्नो लेपर्ड है वो इन पांच क्षेत्रों का है। वर्ल्ड के पूरे ग्लोबल स्नो लेपर्ड रेंज में अगर आप देखते हैं तो जो आपका हिंदुस्तान है वो लगभग 5% के आसपास कंट्रीब्यूट क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है लेपर्ड में, मतलब जो पूरे वर्ल्ड के लेपर्ड्स हैं उनका वैश्विक क्षेत्रों का जो हमारे यहाँ पे तेंदुआ है उसमें 5% का योगदान हम लोग करते हैं, मतलब पूरे वर्ल्ड में 100% का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका 5% हमारे पास है। और भारत सरकार क्या है, भारत सरकार इस बात पे प्रतिबद्ध है कि अब उसको बचाए रखना है, बनाए रखना है, मतलब उसका कंजर्वेशन, भारत सरकार जो है उसको कंजर्व करने के लिए भारत सरकार तमाम जो है क्या कर रही है, कदम उठा रही है। और इसी के साथ जो आयुषियन है, जो एक संस्था है, आयुषियन की संस्था है, उस संस्था ने क्या किया कि उस संस्था ने जो है अपने वन्य संरक्षण अधिनियम 1972 के जो अधिनियम में जो एक है, जो पहला अधिनियम है, याद रखिएगा यूपीएससी ने इस बार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्ट का पांचवा पूछ लिया है, पांचवा पूछ लिया। आयुषियन एक संस्था है, ये इंटरनेशनल कंजर्वेशन सोसाइटी है जो कंजर्व करती है, आयुषियन एक संस्था है जो वर्ल्ड में इस बात पे ध्यान देती है कि कौन से जीव जो हैं वो क्या होने वाले हैं, लुप्त होने वाले हैं, वल्नरेबल कौन होने वाले हैं, एक्सटिंक्ट कौन हो चुके हैं, ये संस्था वो काम करती है। तो जो आयुषियन की संस्था है उस संस्था ने क्या किया कि जो स्नो है, जो लेपोर्ड है, जो लेपोर्ड है, उस लेपोर्ड को उसने क्या किया है, उस लेपोर्ड को आयुषियन ने वल्नरेबल घोषित कर लिया है। वल्नरेबल, वल्नरेबल का मतलब यहां पर क्या है, सुभेद, मतलब इनकी स्थिति अब क्या है, इनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। आयुषियन ने लिस्ट जारी की है, सुभेद की लिस्ट जारी की, और भारत आयुषियन से जुड़ा हुआ है, ये भारत आयुषियन से जुड़ा हुआ है, तो भारत सरकार ने भी इस चीज को किया है। दूसरी चीज क्या है, इसे साइट्स में भी शामिल कर लिया गया है, इसे साइट्स और प्रवासी प्रजातियों पर भी शामिल कर लिया गया, ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। थर्ड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जो स्नो लेपर्ड है वो हिमाचल प्रदेश का कैसा है, स्टेट एनिमल है, तो स्टेट एनिमल जो है वो है, इसलिए आपको ये जानना चाहिए, इसको आप लोगों को जानना चाहिए। पूजा, ये फिफ्थ शेड्यूल को लेके क्वेश्चन पूछा है, यूपीएससी ने फिफ्थ शेड्यूल को लेके क्वेश्चन पूछा है, अब की बार जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का फिफ्थ शेड्यूल पूछा है। मैं जब इकोलॉजी की क्लासेस करूंगा तो मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड जो है वो जरा देख लीजिएगा, ये किस लिए किया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं जो है वो क्या चाहता है, जो भारत सरकार है वो तेंदुए के संरक्षण के लिए समावेशी और भागीदारी दृष्टिकोण चाहती है, वो पार्टिसिपेटरी अप्रोच चाह रही है, ऐसा नहीं है कि खाली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करे, इसमें कम्युनिटी ऑफ इंडिया का भी वो सहयोग चाहती है, याद रखिएगा मेरा। पार्टिसिपेटरी अप्रोच जो होता है, पार्टिसिपेटरी अप्रोच का मतलब होता है, अगर मुझको सुन रही हो चंदा कुमारी तो समझिएगा कि भागीदारी पूर्ण दृष्टिकोण। एक मिनट जरा पानी पी लेने दीजिए मुझको बस। पार्टिसिपेटरी जो कंजर्वेशन होता है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, पार्टिसिपेटरी जो कंजर्वेशन होता है आपका, कंजर्वेशन होता है ये खाली, ये इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी होती है, इसमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन भी होता है। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का मतलब होता है समुदाय आधारित, समुदाय इसमें शामिल होते हैं, और समुदाय में लोग भी हों, पीपल ऑफ इंडिया भी होगा, मेरी मेरा मेरा यहां समझ रहे हैं, या दिखेगा नहीं आप लोगों को यहां पे, मैं थोड़ा सा यहां कर देता हूं, कम्युनिटी,
यहाँ दिख नहीं रहा होगा, एक कम्युनिटी, और इस कम्युनिटी में पीपल भी शामिल होंगे, एनजीओज भी शामिल होंगे, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी शामिल होंगे। तो इन सारे लोगों से वो कैसा चाह रहा है, पार्टिसिपेटरी अप्रोच चाह रहा है। भारत सरकार प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड पे पार्टिसिपेटरी अप्रोच पे ध्यान दे रही है कि वो क्या करे, पार्टिसिपेटरी अप्रोच पे वो चीजों को चले। ठीक है, यहां पर ये चीजें हैं, ये मैंने आप लोगों के लिए बातें कर दी। देखिए मेरी बात समझिएगा, एक तो सोसाइटी पे क्लास है, सोसाइटी पे क्लास जो है वो 4 से 5 है और एक रात में 10 से 11 है। ये किस पे है, ऐप पे है। ऐप पे आप मुझको जो है वो दिनेश सिंह के नाम से आप ढूंढ सकते हैं और मेरी क्लास को आप फॉलो कर सकते हैं, इससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। संडे की क्लास या सैटरडे और संडे की क्लास हम लोग पीआईबी मेंस एनालिसिस करेंगे क्वेश्चन आंसर फॉर्म में। और ये क्लास दिन ब दिन, मतलब जैसे जैसे समय बीतेगा, इस क्लास में बहुत सारी चीज़ों को मैं अच्छाई से करूंगा। आज की क्लास थोड़ी उतनी मेरी सेटिस्फेक्शन पे नहीं है सर, आज जरूर ज्वाइन करेंगे। अगर आज ज्वाइन करना होगा तो कल की क्लास जरूर पढ़ लेना, क्योंकि कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो ये संडे सैटरडे संडे हम लोग पीआईबी B2M चैनल पे आते हैं, B2M चैनल पे आते हैं। और एक चीज और है, एक या दो दिन में जितने अभी करंट अफेयर्स में, एक चीज समझ लीजिएगा, करंट में जितनी लोकेशंस आई हैं, जितनी भी लोकेशन आई हैं, ये किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे यूपीएससी के लिए, चाहे यूपीपीसीएस के लिए, चाहे जितने भी एग्जाम हैं, करंट की जितनी भी लोकेशंस आई हुई हैं, उन लोकेशंस पे क्वेश्चन आंसर बेस्ड, क्वेश्चन आंसर बेस्ड पीटी टाइप, इस पे मैं एक सीरीज है, 4 या 5 क्लास की सीरीज है, ये हर महीने आया करेगी। उस सीरीज में हम लोग क्या करेंगे, उस सीरीज में हम लोग कर लेंगे पूरे के पूरे करंट लोकेशन को। तो उस करंट लोकेशन को हम लोगों को, हम लोग उस पे क्लास है, थैंक यू, उस करंट लोकेशन के लिए हम लोग करेंगे। पीआईबी के लिए रिवीजन क्लास कहाँ होगा सर, ये जो अभी कर रहा हूँ वो क्या है, जो अभी टॉपिक कर रहे हैं वो रिवीजन ही तो है और क्या है। और रिवीजन करना है तो वहाँ पे आप चले जाइए मेरे सीधे, उस पे जो है वहाँ पे जाके पढ़ लीजिएगा। तो ये है आज के लिए, थैंक यू आप लोगों का मुझे सुनने के लिए, मुझे समझने के लिए, अपना समय कीमती देने के लिए धन्यवाद। एक चीज़ याद रखिएगा, मेंस निकालना है या पीटी निकालना है तो आपको आपके चॉइसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, चॉइसेस चुनना होगा आपको। और सही चुनाव अगर नहीं हुआ तो क्या है, जो व्यक्ति सही चुनाव नहीं करता है तो वो कहीं ना कहीं हर चीज को खो देता है। तो आपको सही चुनाव करना होगा। चुनाव कैसा, टीचर का नहीं, टीचर का नहीं, अपना चुनाव। कम से कम आप बेहतर तरीके से मेहनत कैसे कर सकते हैं, इस बात पर आप हमेशा देखिए। और अगर आपको मुझसे जुड़ना है, मुझसे मेरी मेंटरशिप चाहिए, चीज़ों में चाहिए, तो गेट 10% डिस्काउंट आप मुकुल देव का आप कर सकते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो लाइक कर सकते हैं, शेयर करते हैं। सर 2024 में देना है, हिना खान साहब 2024 में देना है आपको, 2024 आते समझ पता नहीं चलेगा हिना खान, समय आते पता नहीं चलेगा। जब मैं तैयारी करने गया था दिल्ली और आज मैं पढ़ाने लगा, दोनों में बहुत जल्दी आ गया समय, तो पता नहीं चला। थैंक यू सर मच, योर क्लास इज रियली इंक्रीजिंग एनालिटिकल थिंकिंग, थैंक यू। 10 बजे क्या पढ़ा रहे हैं, 10 से 11। चंदा कुमारी आप सबसे पहला काम करिए कि सबसे पहले आप मुझे वहां पे ज्वाइन करिए, उसमें क्या नाम, टेलीग्राम ग्रुप पे। और टेलीग्राम ग्रुप पे आप मेरा नाम टाइप कर दीजिए, मुकुल देव, मुकुल देव UPSC UPSC। ये आप डाल के कर लीजिए, वहां पे 10 बजे मैं रात में 10 से 11 जो है वो सोसाइटी पढ़ा रहा हूं, तो आपको वो क्लास मिल जाएगी, आप वहां पे ज्वाइन करिए। हिना खान एक चीज समझिएगा, समय बीतते देर नहीं लगती है, तो प्लीज आप इसकी तैयारी करिए, मेंस की तैयारी शुरू से करना होगा सर 2024 के लिए, डीपली समझ लो। हाँ, मेंस की तैयारी करना होगा। विक्रांत राठौर आप जा सकते हैं, बाय ज्वाइनिंग हूँ। खुश रहो जी सर, जो वो क्लास होगा आपका लिंक शेयर कर दीजिएगा, आप उस पर ज्वाइन कर लीजिए, मैं लिंक शेयर कर देता हूँ। तो चलिए आज के लिए इतना ही है, ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को मेरा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप लोगों का जीवन मंगलमय हो। चलते हैं, मिलते हैं कल फिर, धन्यवाद।